السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. अक्सर तलबा की तरफ से मुतालबात आते हैं और सवालात आते हैं कि कौन सी किताब पढ़ रहे हैं और किस सफ़े पर हैं। इसलिए मुनासिब मालूम होता है कि स्क्रीन शेयर का जो है वो ये सिलसिला शुरू कर रहे हैं, तो मैं किताब डाउनलोड कर लूँ, तो फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम सबक का आगाज़ करते हैं। स्क्रीन सबके सामने है जो ऑनलाइन है।
यहां से सवाल नंबर 8 से मुदीरुना दु कामतन तवीलतन, यहीं से पढ़ेंगे जी। ठीक है, सवाल नंबर 8 है तअम्बल अम्थिलतल आतियत लितु, तअम्बल गौर करें अल अम्थिलतल आतियत आने वाली मिसालों पर, लितु जो के जू की हैं। मुदीरुना दू का मतिन तवीलतिन, और दू के बारे में हमने जिक्र किया था कि इसका माना होता है वाला। ठीक है, हमारा मुदीर दू का मतन तवीलतिन, तवील काम है, लंबे कद वाला है। सही, तो आप में से कोई इसे पढ़ेगा पेज नंबर? अब इतना तो आप भी तकलीफ कर लें कि देख लें पेज नंबर क्या है। सर मैं पढूं जी? बस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ मुताहर आप हैं जी सर जी? ठीक है, तअम्मुलिल तअम्मुलिल अम्सिलतिल आतियति लिज़ू मुदीरुना ज़ू क़ामतिन तवीलतिन हाज़त दफ्तरु ज़ू वरक़िन मुसत्तरिन। जी तर्जमा कीजिए जी। ये कॉपी लाइंस वाले वर्कों वाली है, मुसफ़्फ़र है। ठीक है, लाइनों लगे वर्क वाली है जी। अहमदु तालिबुन ज़ू इल्मु व खुलुकिन। आवाज सबके पास आ रही है? ये बार बार मैसेज आ रहे हैं कि आवाज कम आ रही है, जो ऑनलाइन है उनको आवाज ठीक आ रही है? अहमद तालिब है जी, इल्म और अखलाक वाला। एक मिनट ठहरिए जी, आवाज बहुत कम है तो हम किसी को बुला लेते हैं, पता नहीं क्या मसला है। आप किसी को आवाज दीजिए, सामने खड़े हुए। सर आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। सर मैं आगे पढूं जी? थोड़ी देर सबर कीजिए। सर आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है सर, अल्हम्दुलिल्लाह आवाज ठीक आ रही है। आवाज बिल्कुल ठीक है सर, आपकी भी और जो पढ़ रही हैं उनकी भी। हाँ आवाज बिल्कुल ठीक है। बार बार मैसेज आने की आवाज कम आ रही है, मेरी आवाज कह रही है कम पहुंच रही है, कम पहुंच रही है उनके पास। आपकी आवाज बिल्कुल सही है शेख साहब। किसी के अपने इंटरनेट में कोई खराबी होगी, उनको नहीं आ रही होगी। जी ठीक है, ठीक है, पढ़िए और तर्जमा करें, एक एक मिसाल पढ़ें और उसको ठेर ठेर कर पढ़ें और तर्जमा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़ल कमीसु ज़ु कुम्मिन क़सीरिन। ये कमीज कुम्मिन क्या चीज है सर? कुम बोलते हैं आस्तीन को। अच्छा। कुम आस्तीन है, कमीज के बाजू जी, इसके आस्तीन छोटे हैं। वजाका ज़ू कुम्मिन तवीलिन, और वो वाली लंबे आस्तीनों वाली है। सॉरी छोटे आस्तीन वाला। नंबर 5 अल-खामिसा अल-मस्जिदु लज़ी। एक मिनट, सवाल है कि ज़ालिका और ज़ाका इन दोनों में क्या फर्क है? तो असल में जो इसमें इशारा है वो ज़ा होता है, ज़ा ज़ा। अगर उसके शुरू में हम हा लगा देते हैं तो करीब के लिए इस्तेमाल होता है, और अगर आखिर में काफ लगा देते हैं तो वो बाईद के लिए इस्तेमाल होता है। फिर जो बाईद के लिए इस्तेमाल होता है उसको दोनों तरीके से पढ़ा जाता है, एक लाम के साथ और दूसरा बगैर लाम के। ज़ाका और ज़ालिका दोनों का माना एक ही है। ठीक है, समझ आई? यस सर। अल मस्जिदुल लज़ी फी हय्यिना ज़ू मिनारतिन वाहिदतिन।
वो मस्जिद जिसमें हमने हयीना, सर हयीना का क्या मतलब है? फी हयीना, जो हमारे मोहल्ले में है। हयीन मोहल्ला, हयीना तर्जमा हम कर देते हैं आगे। जी जी ठीक है। वो उसके उसका एक मीनार, ठीक है बहुत शुक्रिया। ठीक है, अब इन मिसालों का हम फिर से तर्जमा करते हैं। मुदीरुना दुकामतन तवीलतन, हमारा मुदीर तवीरुल कामा है, लंबे कद वाला है। नंबर दो, हाद दफ्तर दु वरकिन मुसत्तरिन, ये रजिस्टर लाइनों लगे कागज वाला है। अहमद तालिबुन दु इल्मिन व खुलुकिन, अहमद तालिब इल्म है, इल्म और अखलाक वाला। हाजल कमीस दु कुमिन कसीरिन, ये कमीस छोटी आस्तीन वाली है। वदाक दु कुमिन तवीरिन, और वो लंबी आस्तीन वाली है। अल मस्जिदुल्लदी फी हयिना दु मनारतिन वाहिदतिन, वो मस्जिद जो हमारे मोहल्ले में है वो एक मीनार वाली है, वो एक मीनारा वाली है। जी जू के बारे में सवाल है कि जू का शुमार किन में होता है, तो जू ये अस्माए खमसा में से है। जू अस्माए खमसा में से है, और अस्माए खमसा का मतलब कुछ अस्मा ऐसे हैं कि जो मुजाफ होकर इस्तेमाल होते हैं, मुजाफ होकर इस्तेमाल होते हैं, तो उनके ऊपर जब पेश आता है तो पेश वाव के साथ आता है, और जब उनके ऊपर जबर आती है तो जबर अलम के साथ आती है, और जब उनके नीचे जेर आती है तो जेर या के साथ आती है। इनको अस्माए खमसा कहा जाता है। जी, इन अस्मा का यहां हम तस्करा किए देते हैं। अल अस्मा उल खम्सतु, पांच अस्मा। नंबर एक अबुन, और नंबर दो अखुन, और नंबर तीन हमुन, और नंबर चार है फमन, और नंबर पांच ऊपर लिख देते हैं जू, यही वाला जो हमारे सामने है। अब ये अस्माए खमसा कहलाते हैं, और ये हमेशा जब मुजाफ होंगे तो मुजाफ होने की सूरत में वाव के साथ ये इस्तेमाल होंगे, इनके आगे वाव लगेगा और अगला लफ्ज होगा वह मुजाफ इलैह होने की वजह से मजरूर होगा। जैसे हम कहेंगे कि दाखल, यानी दाखिल हुआ। अगर कहें कि आपका अबू दाखिल हुआ तो कहेंगे दाखल अबू का, और आपका भाई दाखिल हुआ दाखल अखू का। और हमुन देवर को कहते हैं, हमुन देवर यानी शोहर का भाई, दाखल हमू की। और फमुन मुंह को कहते हैं, ठीक है ना, हादा फूक यानी ये आपका मुंह है। और दू जैसे दाखला दू माल, दाखिल हुआ माल वाला। तो ये तमाम अस्मा जब इनके ऊपर रफा आता है तो ये रफा इनके ऊपर वाव के साथ इस्तेमाल होता है।
رفع کیوں آتا ہے؟ فاعل مرفوع ہوتا ہے، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، فاعل کے آخر میں ہمیشہ پیش ہوتا ہے، اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اور جس کے شروع میں کوئی حرف جر ہو یا وہ مضاف الیہ واقع ہو رہا ہو تو اس کے آخر میں ہمیشہ جر ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں پہلی کلاس کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، پڑھی ہوئی ہیں یہ باتیں؟ سر ایک بات پوچھی تھی کہ اخو دخل ابو کا، تو ابو کا میں کاف کے پر زبری رہے گا، اگر آپ نے کہا کہ وہ جیسے مضاف الیہ ہے لیکن اس میں کاف جو ہے وہ مضاف الیہ، یہ ضمائر جو ہوتی ہیں وہ ساری مبنی ہوتی ہیں، ساری ضمائر مبنی ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے ساری ضمائر مبنی ہونے کی وجہ سے وہ اپنی حالت پر برقرار رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ذکر ہو گیا، واضح ہو گیا، آگے بڑھیں۔ سوال نمبر 9 ہے، اقرأ الأمثلة، مثالیں پڑھیں، ثم حول الجمل الآتية مثلها، ثم پھر حول تبدیل کریں، الجملة الآتية آنے والے جملے کو، مثلها اسی ہی کی مثل، پہلے ایک مثال پڑھیں اور پھر اس کے بعد آنے والے جملوں کو اسی طرح تبدیل کریں۔ فمن کا مطلب ہے منہ، جس سے انسان بات کرتا ہے، مثال ہے ھذا الطالب ذو خلق، یہ طالب اخلاق والا ہے۔ اب ذو اور اس کے بعد کا جو لفظ ہے خلق، یہ مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ ہؤلاء الطلاب ذو خلق، ذو کا معنی ہوتا ہے والا، اور ذو کی جمع آتی ہے والے، ٹھیک ہے نا، ذو والا اور اس کی جمع آتی ہے والے، اور عربی میں جمع آتی ہے ذو، جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے ذو۔ ہؤلاء الطلاب ذو خلق، یہ طلباء اخلاق والے ہیں۔ اور اگر مونس کے لیے استعمال کریں تو ذات تو استعمال کرتے ہیں، یعنی والی، ہذه الطالبۃ ذات خلق، یہ طالبہ اخلاق والی ہے، ہؤلاء الطالبات ذات خلق، یہ طالبات اخلاق والیاں ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ذو استعمال ہوتا ہے واحد مذکر کے لیے، اور ذو استعمال ہوتا ہے جمع مذکر کے لیے، ذات واحد مونس کے لیے، اور ذوات جمع مونس کے لیے۔ اب آپ کے سامنے ایک مثال رکھی ہے اور اسی ہی کے طرز پر آپ نے مزید 3 مثالیں بنانی ہیں۔ ذو یہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، آپ نے دوسری مثال ذو کی بنانی ہے، تیسری ذات کی، اور چوتھی مثال ذوات کی۔ ھذا الرجل ذو مال کثیر، یہ آدمی بہت مال والا ہے۔ اب یہاں پر ھذا کی جمع کیا آگی؟ ھؤلاء، اور الرجل کی الرجال، ھؤلاء الرجال، اور ذو کی ذو، تو جملہ یوں بنے گا، ھؤلاء الرجال ذو مال کثیر، یہ مرد بہت زیادہ مالدار ہیں، مال والے ہیں۔ اس کے نیچے ہے ھذه الطالبۃ ذات خلق، اوپر مثال تھی، اسی ہی کی طرز پر ہم عورت کے لیے ایک مثال بنائیں گے۔ اوپر والی جو مثالیں دی ہوئی ہیں، اگین پلیز میں ان کو جواب دے رہا ہوں، کہ اوپر والی مثالوں کی طرز پر یہ مثالیں بنائیں گے، تو ھذا کو جمع بنائیں گے، اور ھذا کی جمع آتی ہے ھؤلاء، رجل کی جمع آتی ہے رجال، اور ذو کی جمع آتی ہے ذو۔
अब रजुलुन की मोनस क्या आती है, इमरातुन, एक औरत, और निसाउन बहुत ज्यादा औरतें, तो हमने मिसाल पेश करनी है एक औरत के बारे में। हादा, इसमें इशारा मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है, मोनस के लिए क्या इस्तेमाल होगा, हादही, हादही इमरातुन, और जू की जगह पर क्या लगाएंगे, जातु, हादही मरअतु जातु मालिन कसीरिन, ये औरत बहुत ज्यादा मालदार है। जबकि जमा किसे बनाएंगे कि हाद ही की भी जो जमा होती है, इसमें इशारा जब जमा मोनस के लिए इस्तेमाल किया जाए तो उसमें और जमा मुजक्कर में कोई फर्क नहीं होगा, हा उला इस्तेमाल करते हैं मुजक्कर के लिए भी और मोनस के लिए भी। थोड़ा सांस लें, हम उसको मुकम्मल करें, आपके सवाल का जवाब देते हैं, पढ़ लिया है जवाब सवाल और आपको जवाब मिल जाएगा। सर माल के नीचे हमने पहले ही जिक्र कर दिया कि मुजाफ इलैह है और मुजाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है, ठीक है, थोड़ा बंदूक रख दिया करें, ठीक है ना, आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा आपको। अच्छा, एक ही इमरातुन और अलमरअतु दोनों के अंदर कोई फर्क नहीं है। हा उलाई और अर्रजुल के मद्दे मुकाबिल जो हमने लफ्ज इस्तेमाल किया वो इमरातुन था, और इमरातुन की जमा क्या आती है, निसा, यानी इसकी जमा आती है वो इसके लफ्ज के अलावा से आती है, अन्निसा। हा उला इन निसा उ, आगे दवातु मालिन कसीरें, समझ आ गया जी। अब अगर कोई सवाल है तो दोबारा पूछ सकते हैं। बल फर्क मा फर्क बैन मरअतिन व इमरातुन, कोई फर्क नहीं है अलमरअतु और इमरातुन दोनों के दरमियान। आगे है लाल, और लाल का माना होता है शायद, लाल शायद, लाल ये मुब्तदा और खबर पर दाखिल होते हैं। लाल मुब्तदा को नसब देता है और खबर को रफा देता है। जी हाँ बिल्कुल, और इनका नाम है हर्फ मुशब्बह बिलफेल, हरूफ मुशब्बह बिलफेल, इन्ना अन्ना का अन्ना लाकिन्ना लैत लाला, ये छह हरूफ ऐसे हैं कि जब ये इसम पर दाखिल होते हैं तो उसको नसब दे देते हैं, जबर देते हैं। मुब्तदा को मंसूब नसब देते हैं और खबर को रफा देते हैं, ठीक है। हरूफ मुशब्बह बिलफेल, उनमें से एक ही लाल, इसका माना होता है शायद, और जब ये जमीर पर दाखिल होगा तो जमीर के आखिर में कोई तब्दीली नहीं होगी, क्योंकि जमायर हमेशा मबनी होती हैं, और मबनी का माना आप समझते हैं क्या होता है, जिसके आखिर में कोई तब्दीली रोनुमा नहीं होती। अच्छा, अदखिल लअल्ल अला जुमल आतियती, दाखिल करें लअल्ल को आने वाले जुमलों पर, इल्मन जानते हुए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि बे अन्न लअल्ल मिन अखवात इन्न, कि बिलाशुबा जो लअल्ल है ये इन्न की बहनों में से है, और इन्न की मजीद कितनी बहने हैं, पांच कुल मिलाकर छह। हुआ बिखैरिन, वो खैरियत से है, इसके ऊपर लअल्ल दाखिल करेंगे तो हो जाएगा लअल्लहु बिखैरिन, लअल्लहु बिखैर, उम्मीद है कि वो खैरियत से होगा। नंबर दो, हुम बिखैरिन, लअल्ल दाखिल करेंगे तो हो जाएगा लअल्लहुम बिखैरिन, वो सब मर्द, उम्मीद है कि वो सब मर्द खैरियत से होंगे। हिया बिखैरिन, हिया जब इसके शुरू में ये हरूफ मुशब्बह बिल फेल में से कोई भी दाखिल हो जाए, इन अन्न का अन्न यहां पर लाल है, तो हिया की बजाय ये हा बन जाता है, लाल हा बिखैर। ये जो मिसाल नंबर तीन है ना, ये मिसाल नंबर ये तीन जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें हिया समीर ये हा बन जाएगी, लाल हा बिखैर, उम्मीद है कि वो एक औरत खैरियत से होगी। नंबर चार, हुन्न बिखैरिन, लअल्लहुन्न बिखैरिन, ये अपनी जगह पर उसी तरह रहेगा।
انت آپ ایک مرد, جب اس کے اوپر خبر مجرور یا مرفوع ہو گئے. دیکھیں خبر جو ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے, لیکن اگر اس کے شروع میں کوئی حرف جر داخل ہو گیا تو ظاہری بات ہے حرف جر کی وجہ سے مجرور ہوگی. جیسے بخیر لفظ ہے, یہ خبر ہے اصل میں, لیکن با حرف جر کی وجہ سے اس کے آخر میں جر آ گئی. پہلے ضمائر ہوا بخیرن, یہ ضمائر منفصل ہیں, لیکن جب ہم ان کے اوپر حروف مشبہ بالفعل داخل کر رہے ہیں تو یہ ساری ضمیریں ضمیر منصوب متصل ہو جائیں گی. انت بخیر, تم ایک مرد خیریت کے ساتھ ہو, تو جب اس کے اوپر لعل داخل کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ لعلک بخیر. انتم بخیر, لعلکم بخیر. انت بخیر, لعلک بخیر. انتن بخیر, یہ کیا ہوگا؟ لعلکن بخیر. انتن بخیر سے لعلکن بخیر. انا ناجح, اس کو یا متکلم سے یا پر لگائیں گے. لعلی ناجح, امید ہے کہ میں کامیاب ہونے والا ہوں. انا, یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے, جب اس کے اوپر حروف مشبہ بالفعل میں سے کوئی حرف داخل ہوگا تو یہ انا کے بجائے یا میں تبدیل ہو جائے گا. لعلی ناجح, لعل انا نہیں کہیں گے, لعلی ناجح, امید ہے کہ میں کامیاب ہونے والا ہوں. اور نحن, لعلنا, نحن کی جگہ پر لعلنا ناجحون. المدیر فی غرفتہ, اب اس کو کون پڑھے گا, کیا اعراب لگائیں گے؟ المدیر فی غرفتہ پر جب ہم لعل داخل کریں گے تو المدیر کے آخر میں کیا پڑھیں گے؟ لعل المدیر, کیونکہ لعل اپنے اسم کے آخر میں نصب دیتا ہے, جبکہ اس سے پہلے جتنی بھی مثالیں تھیں وہ ضمیر کی مثالیں تھیں اور ضمائر مبنی ہوتی ہیں, لہذا ہم نے ان کے آخر میں کوئی تبدیل نہیں کی. یہاں پر المدیر اسم ظاہر ہے, واضح اسم ہے, لہذا اس کے اوپر جب ہم لعل داخل کریں گے تو وہ اس کے آخر میں نصب دے گا. لعل المدیر فی غرفتہ, شاید کہ مدیر اپنے کمرے میں ہے. الاختبار سہل, اس کو کیسے پڑھیں گے؟ جی, لعل الاختبار سہل, الاختبار سہل کا پہلے, یہ جو آپ کے سامنے صرف اس صورت میں لکھا ہوا ہے نا, الاختبار سہل, الاختبار مبتدا ہے اور سہل یہ فی خبر ہے. معنی کیا ہے؟ امتحان آسان ہے, ہم امتحان کے بارے میں اس کے آسان ہونے کی خبر دے رہے ہیں, لیکن جب ہم اس کے شروع میں لعل داخل کریں گے تو لعل اپنے اسم کو نصب دے گا اور خبر کو رفع دے گا. لعل الاختبار سہل ہو جائے گا, امید ہے کہ امتحان آسان ہوگا. سوال نمبر 11 ہے, اقرا المثالین, اقرا المثالین, میں دونوں مثالیں پڑھیں. ثم اکمل الجمل الاتیت, پھر آنے والے جملوں کو مکمل کریں. بوضع غال او غالیت, غال یا غالیت کو رکھتے ہوئے. فی الاماکن الخالیت, خالی جگہوں میں. غال کا معنی ہوتا ہے مہنگا اور غالیت کا معنی ہوتا ہے مہنگی. غالیت یہ صفت استعمال کرتے ہیں مذکر کے لیے, اور کوئی بھی چیز جو مذکر ہو, جسے قلم مذکر ہے, اور غالیتن یہ استعمال کرتے ہیں مونس کے لیے. هذا القلم غال, جی یہ جو مثال ہے اس کو پھر سے ہم پڑھ لیتے ہیں.
اقرأ المثالين پہلے دونوں مثالیں پڑھیں ثم اکمل الجمل العادية پھر آنے والے جملوں کو مکمل کریں غال اور غیا غال تن کو رکھتے ہوئے خالی جگہوں میں. مثالیں آپ کے سامنے دو دینی ہیں کہ پہلے آپ ان دونوں مثالوں کو پڑھیں اور نیچے پھر اسی ہی کی طرز پر غالن یا غالتن رکھیں. مثال پہلے پڑھیں گے تو پھر بات سمجھ آئے گی. ھذا القلم غالن یہ قلم مہنگا ہے. کہتے ہیں کہ غالن اصل میں غالیون تھا. ھذہ الساعۃ غالیۃ یہ گھڑی مہنگی ہے. تو غالن ہم نے اس لیے لگایا کیونکہ ھذا اور القلم اس میں اشارہ اور مشار الیہ دونوں مذکر ہیں لہذا غالن لگے گا. ھذہ الساعۃ اس میں اشارہ اور مشار الیہ دونوں مونس ہیں لہذا غالیۃ مونس لگا دیا گیا. اب دیکھیں مثال ہے مثال نمبر ایک الکتب العربیۃ عربی کتابیں ہمارے ملک میں مہنگی ہیں تو یہاں پر غالن لگے گا یا غالیۃ لگے گا؟ اختلاف ہو گیا. ٹھیک ہے بالکل. الکتب العربیۃ لفظ کتاب ویسے مذکر ہوتا ہے لیکن جب ہم اس کو جمع کر دیتے ہیں تو یہ مونث بن جاتا ہے. مونث ہونے کی نشانی ہے کہ اس کی جو صفت ذکر کی گئی ہے وہ صفت مونث ہے. صفت العربیۃ ہے یہ مونث ہے. تو عربی کتابیں ہمارے ملک میں مہنگی ہیں. ریحان خاتون آپ کی ویڈیو چالو ہو گئی ہے اس کو بند کر دیجیے. جی ہاں جمع تکثیر مونث ہوتی ہیں. غالیون اصل میں یہ فاعلون کے وزن پر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا. غالیون فاعلون کے وزن پر تو پھر یا کے اوپر ضمہ بھاری ہوتا ہے تو اس وجہ سے ضمہ کو حذف کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا. پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ تنوین جو ہوتی ہے وہ لام پر آ جاتی ہے. پھر لام پر تنوین آ گئی غالن اور آخر میں یا ساکن ہے تو پھر یا جو ہوتی ہے وہ دو ساکن جمع ہونے کی وجہ سے حذف ہو جاتی ہے. آگے ہے ھذا الکتاب رخیص یہ کتاب سستی ہے. وذاک اور وہ یہاں پر کیا لگے گا؟ غالن وہ مہنگی ہے. غالن اس لیے لگے گا کیونکہ الکتاب مذکر ہے اور مزید یہ کہ ذات یہ ہم نے جو اشارہ کیا یہ بھی مذکر ہے لہذا آگے غالن مذکر لگے گا. جی ہاں بالکل. کسرہ کے ساتھ اس لیے ہے کہ انہوں نے شروع میں بتا دیا کہ اصل میں غالیون تھا. غالیون تھا ٹھیک ہے. پھر یہ ہوا کہ یا کے اوپر جب پیش پڑھا جاتا ہے نا عربی زبان میں تو وہ بھاری ہوتا ہے زبان کے اوپر عربی زبان میں تو اس وجہ سے یا کے اوپر جو پیش تھا اس کو حذف کر دیا گیا تو وہ جو تنوین تھی وہ تنوین یا کے بجائے لام کے اوپر آ گئی غالن ہو گیا اور پھر آخر میں یا جس کو اعراب کو ہم نے حذف کر دیا تھا تو وہ ساکن ہو گئی تھی. تو تنوین بھی اصل میں دو نون ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا. یہ ساری باتیں جو ہے وہ کتاب الصرف یا علم الصرف کے اندر پڑھائی جاتی ہیں. اسے یعنی کوئی بھی لفظ جو کہ اس کے وزن پر آتا ہے تو اس کے آخر میں جیسے باعین ہے باعین بیچنے والا داعین دعا کرنے والا تو یہ سارے الفاظ اصل میں باعین اور داعین تھا اصل میں. یہ ساری جو ہے وہ یعنی جو تعلیلات ہوتی ہیں یہ کتاب سر میں ہمارے یہاں پہلی جو مدارس میں پہلی کلاس میں پڑھائی جاتی ہیں شاید آپ کو نہیں پڑھائی گئی. ھذہ الساعۃ تو ہم پہلے میں الکتب العربیہ تو غالیۃ فی بلدنا اور نمبر تین ہے ھذا المعجم بمئۃ ریال یہ ڈکشنری 100 ریال کی ہے. آگے کیا لگے گا؟ ہوا مذکر ہے لہذا غالن لگے گا ہوا غالن. ھذہ الحقیبۃ یہ بیگ ھذہ بھی مونث ہے
इसका मुशारुन इलाय अल हकीबा तो भी मोनस है तो खबर गालियत आएगी, ये बेग महंगा है। तर्जमा करते हुए आप ये नहीं देखेंगे कि उर्दू में हम क्या तर्जमा कर रहे हैं, ठीक है ना, अरबी का लिहाज रखा जाता है। मिसाल नंबर, ये सवाल नंबर 12 है, इकरा अल मिसालैन, दो मिसालें पढ़ें, थुम्मा इकरा अल जुमला, ये मुझे तो ऐसा लग रहा है हम नर्सरी के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सारे वो पेंटिंग कर रहे हैं यहाँ बैठे, अब किसी को समझाएं कि बच्चों ये हरकतें ना करें, खुद बशारत सब समझदार हैं। अभी कहां से होगा ये, आप में से कोई कर सकता है तो उसको कर दें, अगर किसी के पास इख्तियारात हों तो। ये तबाह आजमाई ना करें, ठीक है, हम ये पेंटिंग का जो ना वो नहीं है पीरियड कि आप उसके ऊपर ना लाइने लगा रहे हैं, और बड़ा मेहरबानी ये वीडियोस बंद कर दीजिए, दिक्कत परवीन वीडियो बंद कर दीजिए। अच्छा आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि पहले आप इन दो मिसालों को पढ़ें और फिर उसके बाद ये जो गिनती लिखी हुई है ना, इस गिनती को हरूफ में पढ़ना है। दिक्कत परवीन आप वीडियो बंद कर दीजिए। मे आ तुम रातिन, क्योंकि इसका हमजा जो है वो हमजा वसली है, तदाई नहीं है, जैसे इस्मुन होता है ना, इस्मुन इस्मुन के शुरू में जो हमजा है, ये हमजा, हमजा की दो किस्में होती हैं, एक हमजा होता है वसली जो मिलाकर पढ़ने के लिए इस्तेमाल होता है, और एक होता है कताई जो हमेशा बरकरार रहता है। तो इस्मुन के शुरू में जो हमजा होता है ये हमजा वसली होता है, यही वजह है कि जब इससे पहले कोई और लफ्ज आ जाता है तो इस्मुन का हमजा हजब हो जाता है। जैसे हम किसी से पूछते ना कि आपका नाम क्या है, अरबी में क्या कहेंगे, मस्मुका, मस्मुका, तो इस्मुन का हमजा कहां गया, ये हमजा हजब हो गया। जैसे बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है ना, ये असल में क्या है, बे इस्मिल्लाह, तो मिलाकर पढ़ने की वजह से हमजा हजब हो गया। बे अतु रजुलिन बे अतु मुरातिन, अब अल्फ रजुलिन अल्फ मुरातिन, एक सौ को मे अतुन कहते हैं और एक हजार को अल्फुन कहते हैं, और इनके बाद जो लफ्ज आता है मियतुन और अल्फ के बाद वो भी हमेशा मजरूर होता है। मियतु रजुलिन और मियतु इमरातिन के बाद जो लफ्ज आता है वो मजरूर होता है। अल्फ रजुलिन अल्फ इमरातिन, और फिर ये है कि सौ चाहे मर्द के लिए इस्तेमाल करें या औरत के लिए इस्तेमाल करें, मियतुन मियतुन ही रहेगा, मियातुन के अंदर कोई तब्दीली नहीं आती, ठीक है। और इसी तरह अल्फुन का माना होता है हजार, चाहे मर्द के लिए इस्तेमाल करें या औरत के लिए इस्तेमाल करें। इमरातुन का हमजा पढ़ा जाएगा, लेकिन अगर उससे पहले कोई अलिफ हो, कोई और लफ्ज हो जो जिसको हम इमरातुन के साथ मिलाकर पढ़ें, तो फिर हमजे को हम हजफ कर देंगे। मिसाल नंबर एक है, इकरा अल मिसालैन, पहले दो मिसालें पढ़ें, तुम इकरा अल जुमल अल आतियत, फिर आने वाले जुमलों को पढ़ें, बाद दालिक उक्तुबा, उसके बाद इन मिसालों को लिखें, मा किताबत अल आदाद अल वारिदत फीहा,
कि उसमें जो गिनती वारिद हुई है, इन मिसालों में जो गिनती वारिद हुई है बिल हरूफ, उस गिनती को आपने हर्फों में लिखना है, हर्फों में पढ़ना है। मिसाल हाज़ा तिल्फाज़ु बी अल्फ रियाल, पहली बात है कि 1000 को अरबी में अल्फ कहते हैं, और दूसरा ये कि ये अल्फ मजरूर इसलिए कि इसके शुरू में बा हर्फ जर है और रियाल अल्फ के बाद जो लफ्ज होता है वो मजरूर होता है। आइंदी मेरे पास, यहां पर क्या कहेंगे, आइंदी जी अल्फ या अल्फ या अल्फो क्या पढ़ेंगे, अल्फो। आइंदी ये खबर मुकदम है, ये खबर है, और अल्फ दूलारिन ये मुबतदा है, अल्फ दूलारिन और अल्फ पर पेश इसलिए है क्योंकि वो मुबतदा है। अल्फ दूलारिन आइंदी असल में ये है, 1000 डॉलर मेरे पास है। फी हादल किताबी, अल्फ पढ़ेंगे क्योंकि ये मुबतदा है और मुअख्खर है। फी हादल किताबी आगे क्या पढ़ेंगे, मिअतु फी हादल किताबी मिअतु सफहतिन, इस किताब में 100 सफहात हैं। डॉलर को कहते हैं, तल्फास टीवी को कहा जाता है। बिकम हादिहिल हकीबतु, बिकम कितने का है, हादिहिल हकीबतु ये बैग, ही अभी आगे ही अभी भी अति रियालिन, भी अति के नीचे जेर बा की वजह से पढ़ेंगे, ही अभी भी अति रियालिन, कितने का है ये बैग, ये 100 रियाल का है। फी हादिहिल कुल्लियत, इस शोबे में इस कॉलेज में, मिअतु तालिबिन मिन पाकिस्तान, 100 तालिब पाकिस्तान से हैं, व मिअतु तालिबिन मिन इंडोनेशिया, और 100 तालिब इंडोनेशिया से हैं। तो यहां पर मिअतु पढ़ेंगे, जी हां दूलारन, क्योंकि अल्फ के बाद और मिअ के बाद जो लफ्ज आता है वो मजरूर होता है। जी कहिए, कोई सवाल है, क्या चीज, हाँ असल में ये अल्फाज बुकों के नाम इसी तरह जो वारिद हुए ना, तो सिमाई है नाम जी। बिकम हादिहिल हकीबतु ये बे कितने का है, ही अभी भी अतिरियाल, ये 100 रियाल का है। और फी हादिहिल कुल्लियत, इस कुल्लिये में इस शोबे में, मिअतु तालिबिन 100 तालिब हैं, मिन पाकिस्तान पाकिस्तान के, व मिअतु तालिबिन मिन इंडोनेशिया, और 100 तालिब हैं इंडोनेशिया के। मुबतदा अगर मुअख्खर हो तो वही मुबतदा हमेशा मरफू होता है, चाहे मुकद्दम हो या मुअख्खर हो। समझ नहीं आया, अब इसमें क्या है कि जो समझ नहीं आया, ये ऐसी बातें हैं कि जो दूसरे साल पढ़ने वालों को आसानी समझ आती हैं। इसमें समझना ये था कि ये जो गिनतियां लिखी हुई है ना, इनको हर्फों में पढ़ना था, जैसे हादत अल्फाज़ भी, अब 1000 लिखा हुआ, 1000 की अरबी क्या होती है, अल्फ। तो जहां पर ये जो यानी गिनती लिखी हुई है इसको हर्फों में पढ़ना था। मुब्तदा मुअख्खर भी हमेशा मरफू ही होता है। बिकम हादिहिल हकीबतु ही अभी मिअति रियाल। अब अगला सवाल है कि कव्विन जुमुलन मुस्तामिलन अल कलिमात अल आतिया, आने वाले कलिमात को इस्तेमाल करते हुए जुमले बनाएं, आखिर जमा करेंगे।
आने वाले कलिमात को इस्तेमाल करते हुए जुमले बनाए। जकीयुन इसका माना होता है जहीन, तो इस जकीयुन को किसी जुमले के अंदर इस्तेमाल करें। जी कोई जुमला बनाए। सही, हादा रजुलुन ज़कीयुन, हादा तालिबु ज़कीयुन, अंता ज़कीयुन, अखी ज़कीयुन। ज़कीयुन का माना होता है ज़हीन और इसकी जमा आती है अस्किया, वो नीचे आ रहा है। मिअतु सौ, कोई भी चीज के उसकी कीमत सौ रियाल या सौ रुपए हो तो जिक्र करें, या फिर ये है कि सौ गिनती। फी हाद अल फसली मिअतु तालिबिन, इस क्लास में सौ तालिब हैं। आइंदी मिअतु रुबियतिन, मेरे पास सौ रुपए हैं, ठीक है ना। हाद अल कलमु बि मिअति रुबियतिन, हादिह साअतु बि मिअति दुलारिन, हादिह नज़ारतु चश्मे को कहते हैं बि अल्फ दुलारिन, हादिहिल हकीबतु बि मिअति रुबियतिन। तो कोई भी लफ्ज बनाकर और उसमें मिअतुन का इस्तेमाल करना है। मुतज़व्विजुन, मुतज़व्विजुन कहते हैं शादीशुदा को, तो कोई जुमला बनाए। एक सवाल कर सकते हैं, अंत मुतज़व्विजुन, और अपने बारे में कह सकते हैं अना मुतज़व्विजुन, अखी मुतज़व्विजुन। और मुतज़व्विजुन की मोनस क्या आएगी? जी हाँ, मुतज़व्विजतुन, मुतज़व्विजतुन। मिअतुन और मिअतिन दोनों का माना एक ही है, सौ। और मिअति तब पढ़ते हैं कि जब इसके शुरू में कोई हरफ़े जर हो, जिसे हादिहिल्फाज़ु बि मिअति, बि मिअति, उस सूरत में यह मजरूर होगा। और आज़बुन कहते हैं तुम्हारे को, तुम्हारा, तो आज़बुन इसको जुमले में इस्तेमाल करें। अना आज़बुन, उख्ती आज़बतुन, ठीक है। और ये तो नहीं कहेंगे अभी आज़बुन, सही है? नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ, ये सवाल किससे पूछ सकते हैं? अंत आज़बुन। और आगे है खुलुक, जी इसको जुमले में इस्तेमाल करें। आज़बुन का माना होता है कमारा, गैर शादीशुदा। खुलुक अखलाक को कहते हैं। जैसे हादा तिलमीद, ये शागिर्द, दो खुलुक अखलाक वाला है। इबनी मेरा बेटा, दो खुलुक अखलाक वाला है। बिनती मेरी बेटी, दात खुलुक अखलाक वाली है। खुलुक अखलाक को कहते हैं। खालिदुन दू खुलुकिन, सही। इमरातुन या हादिहिल मरअतु ज़ातु खुलुकिन, नहीं, पर यह माना होगा कि अहमद अखलाक है, अहमद तालिब अखलाक है, ये माना तो गलत बनेगा ना। अखलाक वाला हम कहेंगे, तो लिहाजा इसके शुरू में ज़ू का इस्तेमाल करना जरूरी है। हाँ, यूं कह सकते हैं कि तअल्लमतुल खुलुक, मैंने अखलाक सीखा। अल्लमु औलादकुम अल खुलुक, अपनी औलाद को अखलाक सिखाएं। तो यहां पर वाला लगाने की जरूरत नहीं है, दू लगाने की जरूरत नहीं है। आगे है दुलार, डॉलर। आज़बुन की मोनस होगी आज़बतुन। आइंदी खम्सु मिअति दुलारिन, बहुत अच्छा, मेरे पास 500 डॉलर हैं।
غالٍ مہنگا, جیسے هذا الجوال غالٍ, یہ موبائل مہنگا ہے, اور کوئی بھی چیز جیسے هذه الدراجة غالية, یہ سائیکل مہنگی ہے, هذا البيت غالٍ, یہ گھر مہنگا ہے, هذه الساعة غالية, یہ گھڑی مہنگی ہے. دولار کا مطلب ہوتا ہے ڈالر. کیا ڈالر مہنگا ہے یا سستا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم وہ لفظ لے آئیں گے کہ جو سوال پر دلالت کرتا ہے, دو ہیں, یا تو حمزہ یا حل. حل یہ ہم چنتے ہیں, انتخاب کرتے ہیں حل کا, اور آگے ہے دولار. تو جس اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں تو وہ مبتدا ہوگا, اور مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے, اس پر الف لام داخل کریں گے. دولار کی جگہ پر الدولار, حل الدولار. پھر کہیں گے کہ مہنگا ہے یا سستا ہے, تو مہنگے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے غالب, اور سستے کے لیے رخیص. حل الدولار غالب ام رخیص. کہتے ہیں کہ الکلمات الشدیدۃ, یہ کچھ نئے کلمات ہیں اور ہم ان کا ترجمہ کر دیتے ہیں, اور اگلا جو سبق ہوگا کل, یعنی تو یہ جو پہلا سبق ہم نے پڑھا ہے کتابیں بند کر کے, سب سے پہلے آپ سے اس کا ٹیسٹ لیں تھوڑا سا, مطلب تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے کلمات کو یاد کیا ہے. آپ لعلہ کو اسم پر کیسے داخل کرتے ہیں اور ضمیر پر کیسے داخل کرتے ہیں, تو تھوڑا سا اس کو دوہرا کر پھر آگے بڑھیں گے. ناجح کا معنی ہوتا ہے کامیاب. حل ہادا تلفاظ دولار, یہ مثال غلط ہے. اچھا آگے, ذکی جمع اسکیا ذہین, غبی جمع اغبیا کند ذہن کم عقل, خلق جمع اخلاق, اخلاق کو کہتے ہیں ہمارے ہاں یہ لفظ اردو میں جمع استعمال ہوتا ہے. مئۃن سو کو کہتے ہیں, الفن ایک ہزار, روبیۃن روپیہ ہمارے ہاں جو کرنسی ہے, جمع روبیاتن آتی ہے, متزوج شادی شدہ, عزبن کمارا اس کی جمع آتی ہے عزابن, اور یہودی جمع یہود یہودی کو کہتے ہیں, معجم جمع معاجم ڈکشنری, دولار جمع دولارات ڈالر کو کہتے ہیں, صفحات جمع صفحات صفحے کو کہتے ہیں, ناجح جمع ناجح کامیاب ہونے والا, غال مہنگا, کم آستین اور جماعتی اقمام بہت ساری آستینیں. حل هذا التلفاز غال, حل هذا تلفاز غال, ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہے. لکھا ہوا ہے دولار, کیا مطلب کیا پوچھنا چاہ رہا ہے؟ اچھا یہ جملے کے اندر اس کو استعمال کریں گے تو جی, جسے ہم کہیں گے هذه الساعة بدولار یا هذا القلم بدولار, یہ قلم ایک ڈالر کا ہے. تلفاز ٹی وی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفر الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. امام نسائی رحمہ اللہ کے تعلق سے اور سنن نسائی جو ان کی کتاب ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے تعلق سے آپ کو کچھ نوٹس لکھوائے تھے ہم نے اور غالباً مکمل ہو گئے تھے, کوئی بات رہتی تو نہیں تھی ان میں. آواز آ رہی ہے میری آن لائن سب کو؟ جی آ رہی ہے. نو ساؤنڈ کے بعد میں نے پوچھا, کافی ساروں نے کہا آ رہی ہے. جی نوٹس جو ہیں وہ ہمارے الحمدللہ تقریباً مکمل ہو گیا. ویسے تو کافی باتیں اس میں ہماری رہتی تھی لیکن اختصار کی بنیاد پر ہم نے وہیں پر اتفاق کیا
चूंकि हमारे पास टाइम भी कम है और ये हमने इंशाल्लाह खत्म भी करनी है किताब, तो हमारी कोशिश ये होगी कि जो कुछ बातें रहती हैं इमाम नसाई के मनहज के ताल्लुक से वो किताब के बीच में ही बातें आ जाए। जब इंसान उसको देखता है ना, यानी रायु लाइन, ठीक है, देख के इंसान को ज्यादा बात समझ आ जाती है बनिस्बत उसके के बगैर देखे वो बस पढ़ता जाए या लिखता जाए। ठीक है, किताब सबके पास है, करें शुरू। अच्छा, इस किताब का जो है वो यही तरीका ये होता है कि हदीस का कि उसकी किराअत की जाती है, किराअत की जाती है मतलब ये कि एक तालिब इल्म उसकी किराअत करता है, पढ़ता है उसको, सही है, उसके बाद फिर जो यानी उस्ताद है वो उस हदीस पे अपना दर्स देते हैं। तो ये तरीका यहाँ पर क्या होगा कि आप में से कोई एक तालिब इल्म पढ़ेगा हदीस और सब पढ़ेंगे इंशाल्लाह, सबकी बारी आएगी, यानी जो ऑन कैंपस है उनकी भी और जो ऑनलाइन है उनसे भी मैं पढ़ाऊंगा। चले पढ़े फिर आप, माइक है पास, ये माइक है। हम कहते हैं सवाल है कि आपके पास अगर पीडीएफ में है तो स्क्रीन शेयर करें, हमारे पास हार्ड कॉपी में नहीं है अभी। अल्लाह आलम के मामला, मतलब क्योंकि जो आपने ग्रुप है उसमें भेज दिया होगा, क्योंकि बाकी तलबा के पास भी है तो उस ग्रुप में आप देखें इंशाल्लाह पीडीएफ होगा, आप वहां से डाउनलोड कर लें। पेज नंबर जो पहला सफर है बिल्कुल वहीं से शुरू करेंगे। जी पढ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब अत्तहारा, तअवील कौली अज़्ज़ वजल, اذا كنتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وايديكم وايدي وأيديكم نہیں أيديا يعني يا به نصب پڑھنا ہے وأيديكم جی إلى المرافق عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوءه حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده يده ठीक है यहाँ तक सही नहीं बस यहाँ तक आगे नहीं बढ़ना। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद, हमारी भी अल्हम्दुलिल्लाह हदीस बकायदा तौर पर शुरू होने वाली है और उसको शुरू करने से पहले एक नसीहत में अपने आप को भी और आप सबको भी ये करना चाहूंगा कि ये हदीस कोई आम चीज नहीं है, आम बात या आम कलाम नहीं है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन है। और सूरह हुजरात में अल्लाह ताला फरमाता है, जहां पे नबी अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से बहुत से हुकूक अल्लाह ताला ने जिक्र किए, वहीं पर एक हक ये भी जिक्र किया, ला तरफउ अस्वातकुम फौक सौतिन नबी, अपनी आवाजों को अल्लाह के नबी की आवाज से बुलंद मत करो। इस आयत का एक मफहूम तो वाज़े है कि नबी सल्लम की जिंदगी के साथ ताल्लुक, यानी सहाबा किराम को कहा जा रहा है कि आप अपनी आवाजों को नबी सल्लम के सामने बुलंद मत कीजिए। लेकिन काजी अयाज रहिमुल्लाह बहुत बड़े आलिम और मुहद्दिस गुजरे, उन्होंने इस आयत की तफसीर में यह बात लिखी है कि इस आयत का ताल्लुक कयामत तक है। कैसे? कि नबी सल्लम की अहादीस मौजूद है, उनका हक यह है कि जब हदीस की किराअत हो रही हो या हदीस पढ़ी जा रही हो तो सारी चीजें छोड़ के, सारे कलाम छोड़ के, सारी बातें छोड़कर खामोशी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुननी है।
ये इस आयत का तकाजा है, इस आयत पर अमल करने का कि ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फौका सौत नबी, कि नबी सल्लम की बात से जो है वो यानी उनके सामने तुम्हारी आवाज बुलंद ना हो। तो इस आयत का यही तकाजा है कि हम इस आयत पर इसी तरह अमल कर सकते हैं। जी, इस आयत पर इसी तरह अमल कर सकते हैं कि जब हदीस सुनी पढ़ी जा रही हो या सुनाई जा रही हो तो उससे बिल्कुल खामोशी से नबी सल्लम की बात को सुना जाए, क्योंकि नबी सल्लम की बातें हैं ये, ठीक है। नबी सल्लम की अहादीस, नबी सल्लम की बातें हैं। जैसे वो अरबी का शेर है बड़ा मारूफ, अहलुल हदीस हुम अहलुन नबी इल्लम यसहबु नफ्सहु अनफासहु साहिबु, कि जो हदीस पढ़ने वाले हैं ये दरअसल नबी अलैहिस्सलाम के साथी हैं। अहलुल हदीस यानी हदीस वाले, ये नबी वाले हैं। अहलुल हदीस हुम अहलुन नबी, हदीस वाले दर हकीकत नबी वाले हैं। इल्लम यसहबु नफ्सहु, इस तरह नबी वाले कि अगरचे आपकी जात से तो नहीं मिल सके, ये हम लोगों की बात हो रही है कि नबी अलैहिस्सलाम की जात से तो मुलाकात नहीं हो सकी इनकी, और नबी अलैहिस्सलाम की जात से सुहबत तो इनको हासिल ना हो सकी, लेकिन अनफासहु सहीबु, नबी अलैहिस्सलाम के सांसों से ये मिल चुके हैं। बात समझ आ रही है? नबी अलैहिस्सलाम के सांसों से ये सब मिल चुके हैं, इनकी मुलाकात हो चुकी है। सांसों से कैसे? ये जो नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है इसको उसने ताबीर के नबी सल्लम की सांसों से, जो है कि नबी सल्लम की सांसें घूट रही हैं, तो हदीस वाले जो है अपने आप को नहीं समझे कि वो नबी सल्लम की सांसों से मुस्तफीद हो रहे हैं। तो एक बड़ा मकाम है ये, एक जिसे कहते हैं ना बड़ी फजीलत वाली बात है कि नबी सल्लम की हम हदीस को पढ़ रहे हैं, तो उसका अज के अदब का तकाजा भी यही है। अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमहुल्लाह, उनके बारे में आता है कि हर वक्त अपने मकतबे में रहते थे अकेले, किताबों में गुम। तो किसी ने कहा कि अला तस्तौहिश, आप अकेले रहते हैं पूरी जिंदगी आपने अकेले गुजार दी, तो आपको वहशत नहीं आती अकेलेपन से? यानी अकेला रह रहे कि इंसान जाए वहशत इंतला हो जाता है, उसका दिल करता है कि मैं किसी दिन मिलूं जाके और कोई साथ हो मेरे, तो आपको वहशत नहीं होती अकेले रहने से? तो उन्होंने क्या कहा था, कई फस्तौहिशु वअना मअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व असहाबिही, कि मैं वहशत में कैसे हो सकता हूँ, तुम आम लोगों के साथ होते हो, मैं नबी अलैहिस्सलाम के साथ होता हूँ। हालांकि मुलाकात तो जाहिर सी बात नहीं हो सकी, लेकिन मुलाकात कैसे? नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस के जरिए। जी, तो पहली हदीस जो आपने पढ़ी है किताब तहारा, ये जो आपको बताया उसके आप नोट्स भी बनाते रहिएगा साथ साथ, किताब तहारा, तहारत की किताब। तहारत किसे कहते हैं? पाकीजगी को, सही है। और तहारत से क्यों आगाज किया जाता है? इसलिए तहारत से आगाज किया जाता है क्योंकि दीन इस्लाम की सबसे बुनियादी चीज क्या है? नमाज। सही है, बुनियादी चीज, यानी कलमा पढ़ लेने के बाद जो सबसे बुनियादी चीज है वो ये है कि उसने नमाज पढ़नी है, और नमाज पढ़ने के लिए क्या जरूरी है? तहारत। नमाज के लिए तहारत जरूरी है, अगर तहारत उसको हासिल नहीं है तो उसकी नमाज ही नहीं है। अब तहारत उसके अपने बदन की हो, जिस्म की, या उसके क्या कहते हैं उसके कपड़े की हो, या उसकी उस जगह की हो जहां उसने नमाज पढ़नी, इन तमाम चीजों की तहारत का होना इंतहाई जरूरी है। इसीलिए हदीस के जो कुतुब लिखी जाती है हदीस की, उनके मुअल्लिफीन तहारत से ही आगाज करते हैं, किताबों का आगाज तहारत से ही करते हैं। इसीलिए इमाम नसाई ने भी अपनी किताब का आगाज तहारत से किया, तहारत के बाद फिर सलात की तरफ आएंगे, नमाज से मुताल्लिक बात करेंगे।
अच्छा अब तहारा की तारीफ क्या है? तहारा कहते हैं इस्तेमाल मुतहरीन, ये आपने लिखना है माना इस्तेमाल मुतहरीन। माशाल्लाह अस्माउल खमसा पढ़ रहे हैं, समझ आए ये जी? समझ आए अस्माउल खमसा? चलिए अभी अभी पूछ लेते हैं अस्माउल खमसा में से एक आपके सामने आ रहे हैं। तो तहारत के बारे में क्या बताया? इस्तेमाल मुतहरीन। मतलब क्या है इसका? दो पाक करने वाली चीजों का इस्तेमाल। अभी बात पूरी नहीं हुई। इजालत नजसी वल हदथी, बोर्ड सही नजर नहीं आ रहा तो फिर भी आपको बताता हूं। इस्तेमाल मुतहरीन फी इजालत नजसी वल हदसी, लिखिए इसका माना क्या है? दो पाक करने वाली चीजों को इस्तेमाल करना इन वजूहात की बिना, इन वजूहात के लिए, नजस दूर करने के लिए और हदस दूर करने के लिए। इजाला माना जाहिर करना, खत्म करना, दूर करना, नजस दूर करने के लिए और हदस दूर करने के लिए। नजस क्या होता है? कोई भी गंदगी चीज, गलाजत इंसान के जिस्म पे लग जाए या इंसान की जूतों पर लग जाए, अगर उसे जूतों में नमाज पढ़नी है, या इंसान के पाओ पे लग जाए, उसके जिसम के किसी हिस्से पे लग जाए या कपड़ों पे लग जाए, तो अब उसका तकाजा क्या है कि उसको उसने साफ करना है, या तो पानी से, पानी से नहीं हो सकता तो मिट्टी से, ठीक है। और हदस क्या है? हदस का माना होता है, हदस दो तरह का होता है, ठीक है, हदस दो तरह का होता है। एक होता है हदस अकबर और एक होता है हदस असगर। ये दो तरह का हदस होता है। हदस अकबर वो चीज होती है जिसकी वजह से आपका आप पर गुस्ल करना वाजिब हो जाता है। किसे कहते हैं हदस अकबर? वो चीजें जिनकी वजह से गुस्ल करना वाजिब हो जाता है। ये चैट जो है वो ऑल किस तरह होती है?
जी ये अच्छा, किसी ने सवाल किया था कि ये बाप हमारे पास नहीं है, तो कि हम बाप शुरू नहीं किया हमने, अभी हम जो आपकी किताब को शुरू में किताब को तहारा लिखा हुआ है उसका माना बता रहे हैं। तहारा का माना, तो तहारा का माना क्या है? दो पाक चीजों का इस्तेमाल करना इन दो चीजों को जाहिर करने के लिए, नजस और हदस। नजस तो समझ आ गया, हदस क्या होता है? हदस दो तरह का होता है, एक है हदस अकबर, वो चीज जिसकी वजह से गुस्ल वाजिब हो जाए, और दूसरी चीज होती है हदस असवर, वो चीज जिसकी वजह से वुजू वाजिब हो जाए, यानी जिनकी जिन चीजों की वजह से आपका वुजू खत्म हो जाए, उन्हें आप हदस असवर कहते हैं। इन दोनों तरह के हदस, चाहे वो अकबर हो या असवर, इन दोनों को खत्म करने के लिए पानी या मिट्टी का इस्तेमाल करना, इसे कहते हैं तहारत। जी खोल दिया आपकी जगह, खोल दिया, एक बार जल्द मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। इस्तेमाल होता ही नहीं, दो पाक करने वाली चीजों को इस्तेमाल करना, फी इजालत नजसी वल हदसी, नजस और हदस को जाहिर करने में, जाहिर करने में खत्म करना, दूर करना, उसमें नजस का आपको बता दिया कि कोई भी गंदगी चीज, और हदस जो है वो दो तरह का है, हदस अकबर जिसकी वजह से गुस्ल वाजिब हो जाए, और हदस असगर जिसकी वजह से वजू वाजिब हो जाए। हाजी इलाज कौन थे? वो बड़े मुहद्दिस थे जिन्होंने किताब लिखी है शिफा बितारीफ हकीक मुस्तफा। चलिए इंशाल्लाह नमाज के बाद फिर
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ये एक मैसेज मुझे मिला है, हमारी किताब में बाब तहारा नहीं है, हमारे नोट्स अल किराआ फिल मगरिब बिसब्बिह इस्मा रब्बिकल आला से शुरू है, तो ये मामला और किसी के साथ है? वो किससे? लेकिन बाकी सबने कहा है कि नहीं, हमारे पास पूरा है, यानी शुरू से ही है किताब तहारा तअवीलु कौलिही अज़्ज़ा वजल। चलिए वो एक अगर किसी का है मामला तो वो देख लें अलग से, लेकिन ये अभी तक तो यही सामने आया है कि बाकी सबके पास हैं। ठीक है, एक सवाल आया हुआ था कि नजस और हदस में क्या फर्क है, तो उसका हम जवाब ये है कि नजस जो है वो किसी भी नापाक चीज को कह सकते हैं, जो आपके कपड़े में या जिस्म पे कोई भी नापाक चीज लग जाए उसे आप नजस कह सकते हैं, कोई भी नापाक चीज। और इसको आप यूं भी समझ सकते हैं कि नजस जो है ना वो हिस्सी चीज होती है, उसको महसूस किया जाता है, यानी उसका वजूद है, नजस का वजूद है वो हिस्सी चीज है, उसको आप महसूस कर सकते हैं, अगर लग गई तो आप उसको देख सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। जबकि हदस हिस्सी चीज नहीं है, वजू का टूट जाना, गुस्ल का वाजिब हो जाना, सही है, तो ये हिस्सी चीज नहीं है। तो इस तरह भी आप समझ सकते हैं कि नजस जो है वो उसका वजूद होता है, वो हिस्सी चीज होती है, जबकि हदस उसका वजूद नहीं होता, बस वो वजू फर्ज हो जाने के ताल्लुक से है या गुस्ल फर्ज हो जाने के ताल्लुक से है। सुनन नसाई की कंप्लीट बुक आप उसमें कर देना, चैट में भेज दें, मुझे ना भेजें डायरेक्ट। चले बहरहाल, ये तहारा का एक मफहूम हो गया जिसमें हमने बताया कि तहारा की जो असल है वो ये है कि इस्तेमाल मुतहरीन, यानी दो पाक चीजों को इस्तेमाल करना, दो पाक चीजों से मुराद, दो पाक चीजों से मुराद यानी दो पाक करने वाली चीजों से क्या मुराद है? पानी, पानी अगर पानी नहीं है तो मिट्टी, इसे कहते हैं अत्तहारा। तअवीलु कौलिही अज़्ज़ा वजल, जो पहला बाब है आपके सामने वो है अल्लाह ताला के इस फरमान की तफसीर के बारे में, अल्लाह ताला के इस फरमान के बारे में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इलस सलाती फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अय्दियकुम इलल मराफ़िक़। आपके नोट्स में इज़ा कुंतुम इलस सलाती से आयत शुरू हो रही है और बाज़ नुस्खों में या अय्युहल्लज़ीना आमनू भी मौजूद है, यानी आयत के शुरू से, ठीक है।
اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر کے بارے میں ہے یہ باب، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے، فاغسلوا وجوہکم، تو پس تم دھو لو اپنے چہروں کو، جی فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو کوہنیوں سمیت۔ یہیں تک یہ آیت، جی وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت۔ یہ میں معنی بتاتا ہوں اس کا، سمیت معنی کیوں کیا ہے، جی یہ آیت جو آپ نے بھی سنی ہے، یہ آیت آیت وضو کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں اللہ تعالی نے وضو کا طریقہ بتایا کہ وضو کس طرح کرنا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل اللہ تعالی نے ترتیب سے بات بتائی ہے۔ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، وضو میں سب سے پہلے چہرے کو دھویا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے، ہاتھوں کو دھویا جاتا ہے۔ آگے کیا فرمایا اللہ تعالی نے، وامسحوا برؤوسکم، اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ اپنے سروں کا مسا کرنا ہے، وارجلکم الی الکعبین، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے آخر میں، اپنے پاؤں کو دھونا ہے ٹخنوں سمیت۔ ترجمہ ریپیٹ کر دیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تأویل و قولہ عز و جل، تأویل معنی تفسیر، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر کے بارے میں، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہو نماز کی طرف، نماز کے لیے، فاغسلوا وجوہکم، تو پس تم دھو لو اپنے چہروں کو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق کوہنیوں سمیت، معنی اسی طرح کریں گے جس طرح میں نے کیا ہے، اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ آیت آیت وضو ہے جس سے امام نسائی نے کتاب الطہارہ کا آغاز کیا ہے، یعنی وضو کے متعلق اس میں مسائل آپ کو بتائے جائیں گے۔ اچھا، اب اس یہ جو ہم نے عبارت پڑھی ہے، اس میں کچھ الفاظ ہیں جن پہ تھوڑا سا غور کرنا ہے۔ سب سے پہلا لفظ ہے تأویل۔ تأویل کسے کہتے ہیں؟ جو معنی بھی ہم نے بتایا وہ کیا ہے، تفسیر۔ دیکھیں تأویل جو ہے نا، آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، یعنی غلط معنی میں، ٹھیک ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ وہ اللہ تعالی کی صفات کی تأویل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مؤولہ، متأولہ، ٹھیک ہے، جو تأویل کرتے ہیں، اور یہ تأویل کرنا مذموم ہے۔ جو تأویل امام نسائی نے بیان فرمائی ہے، اور امام نسائی نے جس کو تأویل کہا ہے، وہ کس معنی میں، تفسیر کے معنی میں۔ پتہ یہ چلا کہ تأویل دو طرح کی ہوتی ہے، تأویل دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تأویل صحیح، ایک تأویل صحیح، اور دوسری ہے، دوسری تأویل فاسد، صحیح کی ضد، فاسد۔ پہلی ہے تأویل صحیح، اور دوسری ہے تأویل فاسد۔ جو پہلی تأویل ہے نا، جس کو ہم تأویل صحیح کہتے ہیں، وہ ایک سوال بھی ہے کہ سر تأویل تو ہمیشہ منفی معنوں میں استعمال ہوتی ہے، تو یہاں پہ امام نسائی تأویل و قولی عز و جل، یہ کیا، تو وہی بتا رہا ہوں کہ تأویل جو پہلا معنی نا، صحیح تأویل صحیح، یہ متقدمین علماء، یعنی جو شروع کے علماء ہیں، یعنی آپ جس کو سمجھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد کے جو، یعنی قریب قریب جو علماء ہیں، وہ اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں تفسیر کے معنی میں، یعنی وہ تأویل کو استعمال کرتے ہیں تفسیر کے معنی میں۔ جی ہاں، تابعین کہہ لیں، یا تابعین کے بعد کے بھی کئی علماء، جی قرون مفضلہ کے جو علماء ہیں، یا اس کے بعد کے بھی علماء، وہ تأویل کو استعمال کرتے تھے تفسیر کے معنی میں۔ اور آپ باقاعدہ، یعنی کتب تفاسیر جو پرانی ہیں، ان تفاسیر کی کتب میں آپ باقاعدہ پڑھیں گے، ہر آیت سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں، تأویل و قولہ عز و جل ہاکدہ، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تعویل اس طرح ہے، یعنی تفسیر، غلط تعویل نہیں بلکہ تعویل صحیح۔ تو یہ پہلی تعویل جو ہم کہہ رہے ہیں تعویل صحیح، جس کو
पुराने उलमा तफसीर के मायने में इस्तेमाल करते रहे हैं। जो दूसरी तावील है उसे कहते हैं तावील फासिद। तावील फासिद क्या होता है कि इबारत का ऐसा माना बयान कर देना जो माना उसके मुताबिक ही नहीं है। और ये आप समझ सकते हैं जो जिन लोगों ने अल्लाह ताला की सिफात के गलत गलत मानी किए, या कुरान मजीद के ही कह लें, कुरान मजीद की भी गलत गलत मानी बयान किए, तो ये भी तावील कहलाती है और ये तावील फासिद है, गलत तावील है। जी हाँ, जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला का यद है, यद हाथ अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया, कुरान में भी है, हदीस में भी है, बल यदाहु मबसूतान, ठीक है, तो कुरान में भी है, हदीस में भी है। अब सही माना इसका यह है कि यद का माना हाथ ही करें, यह सही माना है। और जिन लोगों ने तावील की उन्होंने क्या कहा कि यद का माना क्या है, कुव्वत। क्या माना उन्होंने किया कि अल्लाह ताला का यद नहीं है, हाथ नहीं है उसका, जो अल्लाह ताला ने यद इस्तेमाल किया ना उसका माना कुव्वत है। ये तावील है और ये गलत तावील है। तो आपको इससे फर्क समझ आ गया होगा कि तावील दो तरह की होती है, एक होता है तावील सही जो कि तफसीर के मायने में, सही तफसीर के मायने में, जिसको पुराने उलमा इस्तेमाल भी करते रहे और अब भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। और जो दूसरी तावील है जिसको हम कहते हैं तावील फासिद, जो बाद के जो मोतजलियों और कदरिया इन लोगों ने जो इस्तेमाल किया अल्लाह ताला की सिफात के बारे में खास तौर पर, और जिसकी वजह से ये लफ्ज भी अब हमें मजमूम लगने लग गया, मुजम्मत वाला, यानी जब हमने ये लफ्ज सुना तो शायद थोड़ी देर के लिए जहन गया कि भाई ये तावील क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको समझ आ गया हो कि ये तावील तावील फासिद नहीं है बल्कि तावील सही है जो पुराने उलमा इस्तेमाल करते रहे हैं। तावील कौल अज़्ज़ावजल अल्लाह ताला के इस फरमान की तावील के बारे में, इज़ा कुमतुम इला सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इला मराफ़िक़, यह आयत का आपने तर्जुमा सुन लिया। इज़ा कुमतुम इला सलाति, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो, इसका माना उलमा बयान फरमाते हैं जब तुम नमाज पढ़ने का इरादा करो, ठीक है, जब तुम नमाज पढ़ने का इरादा करो, इसका मतलब ये नहीं है कि जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए हो तो सिर्फ उसी वक्त वुजू कर सकते हो, नहीं, कहने का मकसद ये कि जब भी नमाज का इरादा करो तो उससे पहले वुजू करना है। फ़ग़सिलू वुजूहकुम, अपने चेहरों को धोना है, वुजूहुन ये वजहुन की जमा है, वअईदियकुम, अईदी ये जमा है यदुन की, ठीक है, अपने हाथों को दो। नहव पढ़ रहे हैं आप लोग, बिल्कुल भी नहीं शुरू की, यानी कुछ कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा, नहव छेड़ने का दिल कर रहा है मेरा यहां पे। मतलब पिछले साल पढ़ी है नहव आपने, अच्छा, और इस दफा क्या पढ़ा है नहव में, अच्छा, नहीं सब्जेक्ट तो है, ऐसा तो नहीं हो सकता, अच्छा, मफूल का पता है आपको कुछ क्या होता है, मफूल क्या होता है, तो आसान सी बात है, फेल करने, फेल काम, फाइल करने वाला, और मफूल जिस पर काम होता है, ये तो आसान सी बात है। मफूल का इराब क्या होता है, मंसूब होता है, नसब होती है उस पर, उस पर जबर होती है। अच्छा, ये भी अस्माउल खमसा पढ़ रहे थे आप, ये भी तो नहव का है, अच्छा, मतलब दुरूसुल लुगा में ही नहव पढ़ रहे हैं, सही है, दुरूसुल लुगा हिस्सा सालसा है, तीसरा हिस्सा है, सेकंड है, ठीक है, समझ आ गई। मफूल उस पर नसब आता है, फ़ग़सिलू वुजूहकुम, ठीक है, आप यहां पे देखें नसब आ रहा है वजूह पे, ये जो आप हा देख रहे हैं वजूहा, ये नसब है, बाकी आगे तो कुम तो जमीर है ना, जमीर मबनी होती है, वो हमेशा एक ही हालत में रहती है, जो वजूह आप देख रहे हैं उस पर जो नसब आ रहा है उसके मफूल होने की वजह से, मफूल वाला माना भी आ रहा है, माना से बात समझ आ जाती है। धो अपने चेहरों को, किसको धोना है, चेहरों को, तो चेहरे मफूल हो गए ना। वअईदियकुम, इस पे क्या इराब आ रहा है, नसब है कि जजम है, जजम नहीं है, कुम,
हाँ वो जमीर है, उसकी बात नहीं हो रही, जमीर मबनी होती है। आई दिया पे जो नसब है वो क्यों है? वो भी मफूल है, क्या कहेंगे इसको, मफूल सानी। फिर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कहेंगे हम, अगर तो एक से ज्यादा है तो वहां पे यही कहा जाता है कि मफूल अव्वल मफूल सानी, तो यहाँ पे भी यही कहेंगे। आपको ईदी से पहले कुछ नजर आ रहा है? वाओ 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 आतफा है। वाओ आतफा क्या करते हैं, जो अपने पहले वाला इसम जो उसके गुजरा होता है उस पर अतफ डालता है, यानी जो पहले वाले का इराब है वही इराब बाद वाले का होगा। वुजूहकुम का इराब तो नसब हो रहा है मफूल की वजह से, ईदियकुम का जो नसब आ रहा है वो उसके अतफ होने की वजह से, क्योंकि उससे पहले अतफ आ गया जिसने ईदी का इराब डाला वुजूहकुम पर, तो इसकी वजह से ईदियकुम भी मंसूब हो गया। ठीक है, अब माना दोनों, अच्छा जब अतब डाला जाता है तो फिर माना भी दोनों का वही होता है, यानी धो अपने चेहरों को और अपने हाथों को। सही है, इल मराफिक, ये तो आसान से, अल मराफिकी पे जर आ रही है, क्यों? क्योंकि उससे पहले इला हरफे जर आ रहा है, हरूफ जारा जो कितने हैं, कितने 17 याद है किसी को? इसका ऐसा तरीका ये नहीं है कि सोच सोच के सुनाया, बा ता फी, तरतीब है इसकी एक जी, और यानी कुतुब नहव में तो उसको एक फारसी के शेर की तरतीब दी जाती है, उससे ज्यादा आसान हो जाता है याद करना। 17 हरूफे जा रहे हैं, बाओ ताओ काफो लाम बाओ मुंजो मुज खला रुब्बा हाशा मिन अदा फी अन अला हत्ता इला, ये हरूफे जा रहे हैं जो कि 17 है। सही है, ये आसान सी बात है, अब 2-3 दफा दोहराएंगे याद हो जाएंगे, यानी बहुत आसान से। तो इला जो है वो हरूफ जारा में से एक हर्फ है, और उसकी वजह से अल मराफिकी पे क्या आ रहा है, जर आ रहा है। अच्छा, एक इश्काल आ रहा था कि आपने माना इल अल मराफिकी का ये क्यों किया कोहनियों समेत, हालांकि इला का माना क्या होता है, तक, जैसे कहते ना कि यानी सिर तु मिनल बसरती इलल कूफा, मैं बसरा से गया कूफा की तरफ। ठीक है, या तक कर ले जो भी माना है, तो इला का माना तो ये होता है। तो आपने जो माना कि समेत, ये क्यों माना किया? देखें, ये जो हरूफ जारा होते हैं ना, हरूफ जारा, इन तमाम हरूफ के मानी भी होते हैं, बहुत से मानी होते हैं। जैसे हरफ जर जो पहला है ना, बा, बा पहला हरफ जर है। एक किताब है शरमियत आम, मदारिस में पढ़ाई जाती है, उसमें बा के 10 मानी है, 10, यानी बा मुख्तलिफ, बा हरफ जर ही है लेकिन मुख्तलिफ मानी के लिए आता है, उनमें 10 मानी शामिल है, और ये 10 सिर्फ उस किताब वाले ने जिक्र किए, वैसे और भी हैं। बहरहाल, इन हरूफ जारा में से एक हरफ जर है इला। इला जो है ना, उसको आप समझने के लिए यूं समझ सकते हैं कि ये 2 तरह का होता है, आसान तर्जुमा उससे बात समझ आ जाएगी। एक इला होता है जिसके तर्जुमे में आता है तक, एक इला होता है जिसके तर्जुमे में आता है समेत। ये दोनों किस तरह होते हैं, कुरान की एक मिसाल है जहां पे रोजे वाली आयत है, सुम्मा अतिमुस्सियामा इलल लैल, फिर तुम अपने रोजे को पूरा करो रात तक। ठीक है, यहां पे तक वाला मानोगे, समेत वाला माना नहीं होगा, अगर समेत वाला मानोगे तो इसका मतलब पूरी रात भी रोजा जारी रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, यानी रात तक, जो ही रात शुरू हुई रोजा खत्म, ऐसे ही होता है ना रोजा, यानी मगरिब के वक्त इफ्तार कर देते हैं हम। ये है कि इला अपने बाद वाली जो चीज उसकी है उसमें शामिल नहीं है। जो दूसरा इला होता है ना, जिसके माने में समेत आता है, वैसे इसके लिए खास इस्तेमाल इस्तेमाल होती है, मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा क्योंकि तो वो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए बात, वो उसको कहते हैं गाया मुगैया में शामिल है, यानी कि थोड़ी अलग बहस है, मैं बड़ी आसान से आपको बता रहा हूं। दूसरा जो इला है जिसके माना में आता है समेत, उसको आप इस तरह समझे कि उसके बाद वाली चीज उसमें दाखिल और शामिल होती है। उसकी मिसाल कैसे, यही मिसाल है,
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ, آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے کوہنیوں تک, نہیں تک کا معنی یہ ہوگا کوہنی شامل نہیں ہے دھونے میں, تک کا یہ معنی ہوتا ہے. جیسے الی اللہ کا معنی کیا تھا کہ رات شامل نہیں ہے روزے میں, ٹھیک ہے. تو اگر ہم کہیں نا کوہنی تک تو اس کا معنی کیا بنے گا, کوہنی دھونے میں شامل نہیں ہے. اسی لیے معنی کیا جاتا ہے کوہنی سمیت, کہ آپ نے دھونے میں کوہنی کو بھی دھونا ہے. بات سمجھ آئیے؟ اب یہ بہت سی مثالیں, اور بھی بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ الہ جو ہے یہ سمیت کے معنی میں آتا ہے, غایہ مغیہ میں شامل ہے. فرق کیسے کریں؟ فرق معنی سے پتہ چلتا ہے, صحیح ہے. معنی سے کیسے پتہ چلتا ہے؟ دیگر دلائل سے بھی پتہ چلتا ہے. وہ کس طرح کہ نبی علیہ السلام کا ہمیشہ کا عمل ہے, صحابہ خود بتاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جب وضو کیا تو آپ نے اپنی کوہنیوں کو ملا, کوہنیوں کو دھویا. یہ بھی ایک دلیل مل گئی. الی المرافقی کا الی جو ہے وہ کس معنی میں, اس کی دلیل مل گئی. الی اللیل جو روزے والی آیت ہے اس میں بھی آپ کے پاس دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, عمل ہے سب کا, پورے مسلمانوں کا اجماع ہے اس پر کہ روزہ کب تک ہے, رات تک ہے. یعنی رات جب شروع ہوتی ہے اس کے بعد روزہ پھر جاری نہیں رہتا. تو مطلب بہت سے دیگر دلائل قرائن سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حرف یہاں پہ کس معنی میں ہے. سیاق و سباق بھی کہتے ہیں اس کو. ہم تمام حدیثوں کی عربک سمجھائیں گے, یعنی پوری کتاب کا ترجمہ کریں گے, صرف چند حدیث نہیں بلکہ پوری کتاب کا ترجمہ ہوگا. آپ لوگ کا ابتدائی ہے اس لیے. تو یہ والی بات سمجھ آئی الہ والی. تاویل, ابھی تک تاویل میں پھنسے ہیں. تاویل کی دو ٹائپس, تاویل دو طرح کی ہے, تاویل صحیح اور تاویل فاسد. بہرحال یہ آیت آپ نے پڑھ لی ہے. ٹائم ہو گیا کس کے پاس ابھی؟ آئے ہیں شیخ؟ کون ہے شیخ؟ کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ ابھی تو آپ سے ان ابی ہریرہ پہ بات کرنی تھی. ابھی آپ نے الاسماء الخمسہ پڑھے ہیں تو ہم نے کہا ذرا آپ سے پوچھیں آپ نے کیا سمجھا الاسماء الخمسہ میں. ارے بہرحال انشاءاللہ اب کل جو ہے نا, اب یہ آپ تھوڑا سا اس میں کام کیجیے گا کہ جو حدیث آگے ہم لوگ پڑھیں گے نا اس کو تھوڑا سا ایک بار دیکھ کے آ جائیے گا اعراب اس کا, ٹھیک ہے, تاکہ جب آپ پڑھیں تو آپ صحیح اعراب پڑھیں. اور پڑھنے میں بھی اسی وقت مہارت, اسی طرح مہارت ہوتی ہے کہ جب آپ اس کو بار بار پڑھیں گے اور پہلے سے پڑھ کے آئیں گے, تیاری کر کے آئیں گے. اور پوئٹری ریپیٹ کر دیں یا لکھ دیں کون سی؟ کل ان شاء اللہ. کم نظر آ رہا ہوں میں تو, یہ کیوں ہے؟ یہ اسکرین کیوں لگی ہوئی ہے یہیں پہ؟ خواتین کو نظر نہیں آ رہا. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد تو آپ یہاں دیکھیں گے یا دیکھیں گے یہیں دیکھیں گے دونوں جگہ دیکھیں گے کبھی کبھی ٹیکنالوجی کا یہ نقصان بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی روم میں جو ہے وہ دو بندے نظر آ رہے ہوتے ہیں آپ کبھی یہاں دیکھیں گے کبھی یہاں آخری حدیث ہم نے حدیث پڑھی تھی حدیث پڑھ لی تھی نا ہم نے ہے کوئی نکالنے والا جی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھی تھی اور اس پہ کوئی سوال کوئی اشکال تو پھر ہم آگے چلیں آگے دیکھیں فیہی مسائل اس میں مسئلے ہیں صحیح ترجمہ کیا میں نے مسائل مسئلہ کی جمع ہے مسائل مسائل کیا مطلب مسائل مسئلے فیہی مسائل اس میں مسائل ہیں اس میں فوائد ہیں مسائل مطلب مسئلہ مطلب فوائد ہیں نقاط ٹھیک ہے یہ ہے ارے ضروری نہیں کہ عربی میں جو اگرچہ عربی اور اردو کی وکیبلری جو ہے وہ تقریباً 70% ہے ملتی ہے اس لیے لوگوں کو لگتا ہے کہ جب ہم عربی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور میرے ساتھ بھی ایسے ہوا کہ میری اردو اتنی اچھی نہیں تھی لیکن جب درس نظامی کا کورس کیا تو عربی اچھی ہو گئی تو اب جو میں بولتا ہوں وہ کچھ الفاظ عربی کے ہوتے ہیں لیکن لوگ سمجھتے ہیں میری اردو اچھی ہو گئی ہے تو ایک فائدہ اس کا یہ بھی ملتا ہے ہاں لوگوں کو لگتا ہے کہ بڑی گہری اور بھاری اردو جو ہے وہ بول رہے ہیں لیکن وہ اردو نہیں ہوتی ہے وہ عربی ہوتی ہے الفاظ کیونکہ ملتے جلتے ہیں لیکن کبھی کبھار جو ملتے جلتے الفاظ ہیں اس میں فرق ہے جیسے عجیب عجیب اردو میں بھی ہے عربی میں بھی ہے لیکن عربی میں عجیب کا معنی ایک اچھا بھی ہوتا ہے عجیب اچھا ٹھیک ہے اور اردو میں کبھی کبھار اس کا معنی لیا جاتا ہے اسٹرینج اجنبی چلے جی فی مسائل اب یہاں سے مصنف محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی بات شروع کی اس سے پہلے انہوں نے اپنی بات شروع نہیں کی جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ قرآن کی آیت لاتے ہیں پھر حدیث لاتے ہیں پھر اگر صحابی وغیرہ کا کوئی کال ہوتا ہے تو وہ ذکر فرماتے ہیں اور پھر فی مسائل ذکر کر کے اس میں سے یعنی جو قرآن اور حدیث اوپر ذکر کی گئی ہیں ان سے مسائل اخذ کرتے ہیں اب ہمارا طریقہ کار یہ رہے گا کہ جو فی مسائل میں سے جو ہیں یہ آپ کا ہوم ورک ہوگا یہ کیا ہوگا آپ کا ہوم ورک ہوگا کہ یہ جو فوائد اخذ کیے ہیں مصنف رحمہ اللہ نے وہ آپ گھر پہ پڑھ کے آئیں گے اور پھر اگلی کلاس میں اگر کوئی سوال ہوگا اس سے متعلق تو آپ پوچھیں گے اور اگر جہاں مجھے لگے کہیں ایک اہم مسئلہ ہے جس کو واضح کرنا ضروری ہے تو پھر میں آپ کے سامنے واضح کروں گا لیکن یہ آپ کا ہوم ورک ہے چیپٹر 1 ختم چیپٹر 2 پہ آ جائیں اچھا کچھ کہہ رہے ہیں پہلے کچھ مسائل ہمیں ساتھ ساتھ پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ یہ کس نوعیت کے مسائل ہیں ٹھیک ہے اچھا سوال ہے جی مفی مسائل اس میں کچھ فوائد ہیں الاولا پہلا مسئلہ الحکمت فی خلق الجن والانس جنات اور انسان کی تخلیق میں حکمت یہ بتایا جا رہا ہے یہ کون صاحب آ گئے ہمارے ساتھ
یہ حکمت تخلیق کی, انسان کی تخلیق کی حکمت یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے مذکورہ آیات اور احادیث سے. دوسرا مسئلہ کیا ثابت ہو رہا ہے؟ ان العبادت ہی التوحید لان الخصومت فی, کہ عبادت جو ہے وہ وہی توحید ہے, یعنی توحید الوہیت ہی توحید ہے, یہی عبادت ہے, عبادت کا تعلق توحید الوہیت سے ہی ہے, اور اسی میں جھگڑا رہا ہے, جھگڑا اختلاف اسی میں رہا ہے, اسی وجہ سے انبیاء کو مبعوث فرمایا, انبیاء کو بھیجا گیا. اسی میں اصل مسئلہ تھا, توحید ربوبیت میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, مشرکین مکہ بھی مانتے تھے. تو لہذا عبادت ہی توحید ہے, توحید ہی عبادت ہے, عبادت ہی توحید ہے, توحید ایکولس ٹو عبادت, عبادت ایکولس ٹو توحید. جی خصومہ کا مطلب اختلاف, نزاع, جھگڑا. تیسرا مسئلہ یہ ہے ان من لم یاتی بھی لم یعبد اللہ, جو توحید پر نہیں ہے, یعنی جو توحید لے کر نہیں آیا, یعنی جو توحید پر نہیں ہے, وہ اس نے اللہ کی عبادت نہیں کی. ففیہ معنی قولی تعالی ولا انتم عابدون ما اعبد, کہ نہیں ہو, یعنی یہی معنی اس آیت میں بھی پایا جا رہا ہے, اور وہ یہ ولا انتم عابدون ما اعبد, تم نہیں ہو ہرگز کوئی عبادت کرنے والا جس کی میں عبادت کر رہا ہوں. یعنی مسئلہ توحید کا تھا, تو یہ بات یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جو شخص توحید پر نہیں ہے گویا وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا. الرابعہ چوتھا مسئلہ یہ, الحکمت فی ارسال الرسل, رسل کے بھیجنے کی حکمت ہے یہ بتائی جا رہی ہے, یعنی ایک بلٹ فارم میں پوائنٹس ہے, ایسا نہیں پورا جملہ بتایا جا رہا ہے. مصنف رحمہ اللہ نے پورا جملہ نہیں بتایا کہ رسولوں کو بھیجنے کی حکمت جو ہے وہ توحید الوہیت اللہ تعالیٰ کی بندگی ثابت کر رہے, نہیں, کیونکہ یہ صرف مسائل اخذ کر رہے ہیں. تو ایک بلٹ فارم میں یہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ رسالت کا مقصد, رسالت کی حکمت یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے. کیا حکمت ہے وہ ہمیں پتہ چل چکا ہے, اس لیے ابھی واپس ذکر نہیں کر رہے, صرف اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بس اس طرح سے آپ جو ہے وہ آسان ہے, کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. باقی آپ گھر میں دیکھیں گے 24 مسائل اس چیپٹر سے اخذ کیے ہیں, اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو آپ اگلی کلاس میں سوال کریں گے. جی آپ کوئی سوال کر رہے تھے, سب مائک کا ہے. ہاں تو آپ عربی میں نہ پڑھیں, ابھی آپ مسائل جو آپ ہوم ورک کریں گے وہ آپ اردو کتاب سے کریں گے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ عربی سے پڑھیں. عربی کتاب تو صرف میرے ساتھ کلاس میں پڑھنے کی ہے بس, ابھی آپ گھر پہ نہیں پڑھیں گے. ایگزام کی تیاری بھی عربی کتاب سے نہیں کریں گے, اردو کتاب سے ہی کریں گے. میرے ساتھ کلاس میں صرف عربی پہ ساتھ چلیں گے, کیونکہ کچھ اشارے اور معنی میں جو بتاؤں گا اس میں کچھ عربی لغت کے حوالے سے فوائد ہوں گے, جس سے آپ کی عربی پڑھنے کی, عربی سمجھنے کی پریکٹس ہوگی. اس لیے تو عربی ابتدائی اس میں جو ہے وہ استاد کے ساتھ ہی پڑھنی چاہیے عربی کتاب. جی مائک ہاتھ میں مائک رکھا ہے آپ نے, مائک نہیں یوز. جی اردو کتاب آپ کو پی ڈی ایف میں مل جائے گی, پی ڈی ایف میں آج کل کیا کچھ نہیں مل جاتا. ایک ویب سائٹ ہے اس کو لکھیں کتاب و سنت .com, اس پہ جو اردو کتاب چاہیے وہ آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے, عربی کتاب بھی مل جائیں گی. اگلا چیپٹر باب فضل توحید وما یکفر من الذنوب. باب یہ کیا ہوتا ہے, باب دروازہ ہوتا ہے نا, یعنی دروازے کا کام کیا ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے ہمیں وہ دوسری جگہ منتقل کرتا ہے, کسی خاص جگہ پر منتقل کرتا ہے. یہ دروازہ ہے, آپ باہر سے آئیں گے, باہر سے آنے والے کو اس مخصوص اسپیسیفک ایریا میں وہ منتقل کرے گا اور لے جائے گا. تو اس طرح بھی یہ جو باب ہوتا ہے عربی میں, یہ بھی کچھ مسائل کو ایک اسپیسیفک مسئلہ, ایک اسپیسیفک ٹاپک ثابت کرنے کے لیے باب کہا جاتا ہے. جیسے کہ باب فضل التوحید, یعنی توحید کی فضیلت کے بارے میں چیپٹر, یعنی آپ کو اب مصنف رحمہ اللہ کہاں لے جانا چاہ رہے ہیں, توحید کی فضیلت کے اسپیسیفک ایریا میں. باب فضل التوحید, توحید کی فضیلت کا باب, اور وما یکفر من الذنوب, اور جو توحید کی برکت سے
गुनाहों का कफारा हो जाता है यानी गुनाह मिट जाते हैं उसके बारे में बयान। यानी अब दो चीजें पढ़ेंगे इस बाब में, पहला तौहीद की फजीलत, दूसरा तौहीद की वजह से जो गुनाह मिट जाएंगे। ठीक है, अगरचे गुनाह का मिट जाना ये तौहीद की फजीलत ही है। पहली आयत जी, कौन आज वॉलंटरीली पढ़ेगा? अभी किताब ऐसा ऐसा आप भी पढ़ेंगे और मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ऑनलाइन एक दिन ऑनलाइन की बारी होगी, एक दिन ऑन साइट की बारी होगी जी। और ये आज वॉलंटरीली पढ़ा रहा हूं, कल से चूज करके पढ़ाऊंगा कि आप पढ़ें, आप पढ़ें। ठीक है, ऑनलाइन भी इसी तरह करूंगा जी। बिस्मिल्ला, आवाज नहीं आ रही, माइक ऑन करें, जोर से पढ़ें, ऑन है? नहीं आ रही आवाज। जी उन्होंने पेश किया है यहाँ पे अल्लाह ताला का ये फरमान, अल्लज़ीन आमनू वलम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्म। अल्लाह ताला का फरमान है कि वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान, वलम यलबिसू उन्होंने मिक्स अप नहीं किया ईमान हम अपने ईमान में जुल्म, जुल्म को, शिर्क को, जुल्म को ईमान के साथ खलत मलत नहीं किया। ये आयत यरवन में हमने पढ़ी थी, यरवन में ये थी आयत उस खुद अकीदत में, याद नहीं है? अच्छा, वो शायद इस्लामी अकीदे की एक मुख्तसर जो छोटी किताब थी उसमें इसमें उसमें सीख लिया। अल्लाह ताला का फरमान है इस आयत में तौहीद की फजीलत जिक्र की जा रही है। फजीलत क्या है, पूरी आयत पढ़ेंगे तो पता चलेगा। उलाइक आगे आयत है, उलाइक लहुमुल अम्न वहुम मुहतदून, कि वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान में जुल्म की मिलावट नहीं की तो उनके लिए दो रिवॉर्ड्स हैं, दो फजीलत हैं। उलाइक लहुमुल अम्न, उनके लिए अमन है, सुकून है। दूसरा वहुम मुहतदून, और वो हिदायत याफ्ता है। दो फजीलत हैं तौहीद की, ये फजीलत इतनी बड़ी फजीलत है कि इसमें हम थोड़ा सा पढ़ेंगे तो पता चलेगा। जब ये आयत उतरी, जब ये आयत नाजिल हुई तो सहाबा बड़े परेशान हुए कि हम में से कौन है अल्लाह के रसूल के जो ईमान लाए और जुल्म की मिलावट ना हो जाए। जुल्म तीन तरह का है, जुल्म तीन तरह का है। एक इंसान, एक वो जुल्म जो इंसान अपने आप पर करता है, एक वो जुल्म जो इंसान अपने आप पर करता है गुनाह कबीरा करके, एक गुनाह सगीरा करके, एक वो जुल्म जो अल्लाह के साथ करता है जो कि सबसे बड़ा जुल्म है, वो है शिर्क। ठीक है, एक वो जुल्म जो एक इंसान दूसरे इंसान पर करता है जिसका ताल्लुक हुकूक लबाद से। तो जुल्म की तारीफ यह है कि कोई चीज को अपने लायक मकाम पर ना रखना, जो सूटेबल और अप्रोप्रिएट उसकी लोकेशन है उस चीज उस लोकेशन पर उसको ना रखना। ठीक है, अगर ये मार्कर है, ये मार्कर अगर मैंने चाय के कप में डाल दिया, ये इसको मैंने जुल्म किया ना, नहीं किया? आप समझ रहे, नहीं किया मैंने तो फिर जुल्म किया, नहीं किया? अगर मैंने मार कर चाय के कप में डाल दिया तो मैंने जुल्म किया ना।
मार्कर की जो जगह है वो ये है, पता नहीं ये है, हाँ यही है, ठीक है, या मार्कर होल्डर है, मार्कर की जगह चाय का कप नहीं है, तो मैंने मार्कर को उसकी अपनी जगह से हटाकर दूसरी जगह डाल दिया, ये जुल्म है। आपको गुनाह नहीं करना चाहिए था, आपको अल्लाह ताला की अतात करनी चाहिए थी, क्योंकि आप अल्लाह के बंदे हैं, आपने अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के अहकाम पर तरजीह दी, जैसे जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, लिहाजा आपने जुल्म किया। आपने अल्लाह के साथ औरों को शरीक किया, औरों का वो मकाम नहीं था, लेकिन वो मकाम आपने अल्लाह जैसा उनको दे दिया, तो लिहाजा आपने वो काम किया जो आपको नहीं करना चाहिए था। उस महल, वो महल उसके लायक नहीं था, वो हस्ती जिसको आप अल्लाह के साथ शरीक कर रहे हैं वो उस लायक नहीं थी, लेकिन आपने कर दिया, तो लिहाजा ये सब जुल्म में आते हैं। जुल्म एक बड़ा ही जनरल वर्ड है, सही है। तो लिहाजा सहाबा बड़ा परेशान हो गए। अच्छा, परेशान क्यों हुए? देखिए आयत को पढ़े, वलम यल बिसु ईमान उन बिजुल्म, ये बिजुल्म, ये मारफा है नकिरा है? मारफा है नकिरा है? नकिरा है। मैंने आपको एक कायदा बताया था कि जब नकिरा नफी के सियाक में आए तो वो उमूम का फायदा देता है। अब यहाँ पे अगर मैं तर्जुमा करूं तो क्या करूंगा कि वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान में किसी भी जुल्म को शरीक नहीं किया, मिक्सअप नहीं किया, यानी उसने गुनाह किए ही नहीं। अगर लुगत का तकाजा तो ये है ना, इसीलिए सहाबा परेशान हो गए। यानी अगर मैं लुगत से सिर्फ तफसीर करूं इस आयत की, तो इस आयत की तफसीर होगी कि वो लोग जो ईमान लाए और इन्होंने किसी भी तरह के जुल्म को अपने ईमान में मिक्सअप नहीं किया, चाहे वो जुल्म गुनाह कबीरा हो, चाहे वो जुल्म हुकूक लिबाद से मुताल्लिक हो, चाहे वो जुल्म शिर्क हो, अलगर्ज किसी भी तरह का जुल्म अगर उन्होंने अपने ईमान के साथ खलत मलत किया तो फिर ना उनके लिए हिदायत है, ना वो हिदायत याफ्ता है, और ना उनके लिए अमन होगा इस दुनिया में और आखरत में। तो ये लुगवी तफसीर है, लुगत के अतबार से तो कायदा सही है, लेकिन सहाबा परेशान हुए इस तफसीर को सुन के, इस आयत को सुन के, क्योंकि वो लुगत के माहिरीन थे, तो लिहाजा उनको समझ में नहीं आई। अब नबी के पास आ रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जुल्म से मुराद यहाँ क्या है? शिर्क। खास जुल्म मुराद है, आम जुल्म नहीं है, खास जुल्म मुराद है। क्या तुमने लुकमान का वो नसीहत नहीं सुनी जो उन्होंने अपने बच्चों को की थी? इन शिर्क जुल्म नज़ीम, बेशक शिर्क जो है वो सबसे बड़ा जुल्म है। तो यहाँ पे जुल्म से मुराद क्या है? शिर्क, अलिफ लाम वाला जुल्म, यानी खास जुल्म मुराद है। अगर सिर्फ कुरान, मकसद मैं आपको किस पॉइंट की तरफ ले जाना चाह रहा हूं, इस पॉइंट की तरफ ले जाना चाह रहा हूं, कुरान की तफसीर हदीस के बगैर नहीं हो सकती। खालिस अगर लुगत पे करोगे तो गुमराह हो जाओगे, समझ में नहीं आएगी आपको। एक और मिसाल भी है इसकी, वो आयत किसको याद है कि रोजा बंद करने की जो है कि तुम खाओ और पियो जब तक के काली धाड़ी सफेद धाड़ी से अलग ना हो जाए, काली धाड़ी धागा सफेद धागे से अलग ना हो जाए। ये आयत थी, एक सहाबी जो है वो उसको एक लिटरल, एक लुगवी सेंस में लेके सहरी के वक्त जो है वो वाकई सफेद और काला धागा देख रहे हैं कि डिफ्रेंशिएट कर पा रहा हूं मैं दोनों में, क्योंकि जब अंधेरा थोड़ा कम हो जाए तो आप काले और सफेद धागे को फर्क कर सकते हो उसमें, ठीक है, लेकिन अगर अंधेरा ज्यादा होता है, पहले लाइट्स वगैरह तो नहीं होती थी, अगर अंधेरा ज्यादा होगा तो आप इन दोनों में फर्क नहीं कर सकोगे। तो सहाबी जो है वो धागे लेके बैठ गए कि मैं फर्क करूं उसमें, जब ये फर्क नुमाया हो जाएगा काले और सफेद धागे में तो इसका मतलब है सहरी के टाइम खत्म हो गया। तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया कि मैंने तो ऐसा किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे तुम्हारे धागे बहुत छोटे हैं, मुराद जो है वो आसमान की उसकी बात, होराइजन की बात हो रही है कि फजर साथ जब भूखती है तो वो एक तरफ जो है वो भूखती है, यानी वो नुमाया ना हो जाए काले आसमान से, ये मुराद है। अब क्या अगर खाली लुगत के एतबार से तफसीर की जाती तो लोगों को समझ में नहीं, सहाबा जो कि लुगत के माहिरीन थे उनकी समझ में नहीं आया, तो लिहाजा हदीस की जरूरत है। हदीस जब तक नहीं होगी तब तक कुरान समझ में नहीं आएगा। जो लोग ये कहते हैं कि नहीं कुरान को हर दौर के एतबार से और हर दौर की लुगत के एतबार से समझना चाहिए और हदीस का इनकार कर देते हैं, ये कहते हुए कि हदीस तो सिर्फ मखसूस जमाने के लिए मुतय्यन है, हदीस तो सिर्फ उस दौर के लिए थी, आज के दौर के लिए हम तफसीर
مثال کے طور پر سائنٹیفک کریں گے یا فلسفے کے اعتبار سے تفسیر کریں گے یا مثال کے طور پر کوئی ڈومیننٹ فلسفی کے اعتبار سے ہم جو ہے وہ تفسیر کریں گے تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے بلکہ قرآن سمجھنا ہے تو ایسے سمجھنا ہوگا جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ایسے نہیں سمجھو گے تو جیسے صحابہ ایمان لے ایسا ایمان مطلوب ہے جیسے صحابہ جیسا ایمان نہیں لے تو مطلوب وہ ایمان جو ہے وہ مطلوب نہیں ہے بلکہ وہ اتنا ہلاک کر دے گا تو یہاں پہ لغت کا تقاضا یہ تھا میں ریپیٹ کر رہا ہوں لغت کا تقاضا یہ تھا کہ یہاں پہ ظلم نکرہ کی وجہ سے اور نفی کا سیاق ہے ولم یلبسو نہیں انہوں نے مکس اپ کیا یہ نفی کا سیاق ہے نفی کے سیاق میں نکرہ آ گیا تو یہ عموم کا فائدہ دے رہا تھا لغت کے اعتبار سے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ظلم کو عام نہیں بلکہ خاص کر دیا شرک کے ساتھ کہ یہاں پہ مراد جو ہے وہ شرک ہے اب آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو ایمان اللہ پر لاتے ہوئے شرک کر سکتے ہیں ایسا بالکل ممکن ہے وما یؤمنون اکثرهم بالله الا وهم مشرکون اللہ تعالیٰ نے ابتدائی آیت میں سورہ بقرہ میں فرمایا اکثر لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں وہ مشرک ہوتے ہیں سورہ یوسف یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اچھا اللہ والا نہیں میں کہہ رہا ہوں سورہ یوسف میں بھی ہے اچھا ہاں یہ آیت صحیح تو یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اللہ پر ایمان لا رہا ہو وہ شرک کر سکتا ہے جی ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو رب مانتا ہو اللہ تعالیٰ کو مالک مانتا ہو لیکن اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی پکارتا ہو اوروں کے آگے بھی ماتھا ٹیکتا ہو اوروں کے آگے بھی نظریں نیاز کرتا ہو ٹھیک ہے ایسا ممکن ہے ایسا ہوتا ہے لوگ کرتے ہیں کہ اللہ کو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں بالکل مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ قبروں پر بھی جاتے ہیں قبر پرستی بھی کرتے ہیں آگے پڑھیں حدیث پڑھیں سر آگے آیت نہیں ہے آپ کے پاس نہیں حدیث ہے نہیں اسی آیت کی کنٹینیوشن نہیں اس آیت کے نیچے حدیث ہے ٹھیک ہے ہم نے ایک بات تو یہ کی کہ صحابہ نے اس آیت کو لغوی اعتبار سے سمجھا لیکن یہ لغوی اعتبار اس کا غلط نکلا صحیح بات وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح کی ہے ویسے ایک اصول ہے تفسیر کا کہ قرآن کی اصطلاحات قرآن کے الفاظ کو سمجھنے میں جو بائی ڈیفالٹ ہے جو اصل ہے وہ شرعی معنی ہے نہ کہ لغوی معنی یعنی صلات صلاح یہ لفظ اس کا لغوی معنی کیا ہے دعا اس کا اصطلاحی یا شرعی معنی کیا ہے نماز جو کہ تکبیر تحریمہ سے شروع ہو اور تسلیم پر ختم ہو ٹھیک ہے جو ہم پڑھتے ہیں پانچ وقت تو اگر کہیں بھی قرآن میں صلاح لفظ ذکر ہے تو بائی ڈیفالٹ اصل یہی ہے کہ اس کا شرعی معنی مراد دیا جائے الا یہ کہ دلیل ہو لغوی معنی لینے میں کیونکہ قرآن شریعت ثابت کرنے کے لیے اتارا گیا لغت کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے تو لہٰذا ظلم یہاں پہ بائی ڈیفالٹ ہم کیا ہوگی بائی ڈیفالٹ وہی تعریف ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے الا یہ کہ اگر دلیل نہ ہو تو پھر لغوی تعریف لے لیں الا یہ کہ دلیل ہو تو پھر ہم لغوی تعریف لیں سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات تو وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں شرک کی ملاوٹ نہیں کرتے خالص اللہ کو پکارتے ہیں اسی کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں اسی کے آگے رکوع کرتے ہیں اسی کے نام پہ نظر و نیاز کرتے ہیں اسی سے استغاثہ استعانہ اسی سے مدد طلب کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے دو فضیلتیں ہیں پہلا ان کے لیے امن ہے اور دوسرا ان کے لیے ہدایت وہ ہدایت یافتہ ہے امن اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس دنیا میں اس کو کوئی پریشانی تکلیفیں نہیں ہوں گی امن ہوگا اس کا مطلب یہ نہیں ان کو پریشانی نہیں آتی اس کا مطلب یہ کہ پریشانی کو وہ پریشانیاں سمجھتے ہی نہیں ہیں پریشانیوں میں بھی ان کو ایک سکون ہوتا ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے جہاد کرتے تھے جہاد کرتے تھے پریشانی آتی تھی جہاد میں سب سے بڑی تکلیفیں جہاد میں آتی ہیں تو صحابہ کو جہاد میں نیند کیسے آ رہی ہوتی تھی رحمت برکت احد کے موقع پر فرماتے ہیں صحابہ کہ تلوار ہاتھ سے چھوٹ رہی اتنی نیند آ رہی تھی اتنی سکینت اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر نازل فرما دی تھی تو پریشانیاں آتی ہیں لیکن پریشانیوں میں سکینت آتی ہے
परेशानियों में ही एक लज्जत होती है, तो जब आपको परेशानियों में लज्जत मिले, तकलीफों में अल्लाह ताला से मुनाजात करने का मौका मिले, अल्लाह ताला से कन्वर्सेशन करने का मौका मिले, तो इसका मतलब ये कि ये अमन है, ये बंदा डिप्रेस नहीं हो सकता फिर। ठीक है, डिप्रेशन तो वहां आता है ना कि जहां पे वे आउट नहीं होता, जैसे कि अल्लाह ताला ने उनको ही जोड़ा कि जो अहद में थे कि तकलीफ है, साहबा तुम्हें भी है, उनको भी आई, लेकिन तुम जो है वो अल्लाह ताला से उम्मीदें लगा के बैठे थे और वो तो अल्लाह से उम्मीदें नहीं लगा के बैठे थे, यानी उनके लिए वे आउट था, तुम्हारे लिए वे आउट नहीं था, तुम्हारी तकलीफों में ही लज्जत थी, उनकी तकलीफों में लज्जत नहीं थी, वो डिप्रेस हो गए थे, बिल्कुल बेमाना हो गए थे। यानी जब काफिर को तकलीफ और परेशानी आती है तो बिल्कुल बेमाना हो जाता है, बेमाना, हकीकी डिप्रेशन में चला जाता है, यानी अब मेरे जीने का कोई मकसद नहीं, और उसको सुसाइड वगैरह के ख्याल आना शुरू हो जाते हैं, उसको लगता है कि मैं बिल्कुल फजूल बेकार हो गया, मेरी कोई हैसियत नहीं है। ठीक है, लेकिन जो मोमेंट, जब मोमेंट डिप्रेशन में जाता है तो उसके लिए एक वे आउट होता है, तो वो असल डिप्रेशन वो नहीं होता, क्योंकि उसको उस डिप्रेशन में मजा आ रहा होता है, अल्लाह से बातें करने का, अल्लाह पर तवक्कुल उसका मजबूत होता है, उसका ईमान मजीद कवी होता है। सही है, मतलब मनहज पर इस्तकामत नसीब। जी जी, ऐसा नहीं तकलीफ नहीं, तो अमन यहां पे मुराद ये कि अमन, ये मुराद है अमन का, मतलब ये नहीं कि तकलीफ परेशानी उसको आती ही नहीं है, सिरे से आती हैं, बल्कि ज्यादा आ सकती हैं, लेकिन उन तकलीफ परेशानियों में उसको इतना अमन और सकीनत और सुकून होता है। वलनब्लुवन्नकुम मिनल खौफ वलजू वतक्सीर। जी, तो ये जो है बड़ा एक अमन में होता है जो तौहीद पर होता है, इस दुनिया में भी और इस आखिरत में भी, इस दुनिया में भी और इस आखिरत में भी, दुनिया में भी और आखिरत में भी उसके लिए अमन होता है। आखिरत में अमन यानी मैदान महशर में पुलिस रात पर और फिर जन्नत और जहन्नम का जो फैसला होगा उसमें उसके लिए अमन होता है, जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया कि वालिल काफिरीन गैरु यसीर, ये जो कयामत वाला दिन है वो काफिरों पर बहुत सख्त होगा लेकिन मोमिन पर बहुत आसान होगा, मोमिन पर ये दिन बहुत आसान होता है। ये पहले वो दुआ भी सिखाई गई, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम। जी जी, इसीलिए अब दो, इसके लिए तौहीद परस्त जो होता है, जिसने अपने ईमान में जुल्म की मिलावट नहीं की होती, उसके लिए पहला तो ये उसके लिए अमन यानी सकीनत होती है, दूसरा ये है कि वो हिदायत याफ्ता होता है। सकीनत से क्या मुराद है कि बताएगा क्या है सकीनत, क्या होती है ये अमन सकीनत इत्मीनान, क्या होता है सुकून कल्ब होता है, मतलब सुकून कल्ब को और मेरा जहन पर वो फाई करें, दीन पर इस्लाम पर शरीयत पर वो इत्मीनान। माइक माइक ले, माइक जो भी बोला माइक ले, होगा माइक उधर होगा जी, माइक ले, क्या होती है सकीनत, मतलब इंसान को परेशानी अगर आती है और वो अगर वाकई अल्लाह ताला पर यकीन रख रहा है तो वो बेसिकली सकीनत की यही है कि वो मुश्किलात पर सब्र करे और अल्लाह पर भरोसा करे। सकीनत की ये उसका दिल ठहर जाता है, ठहरा हुआ होता है, इस्तराब और कंफ्यूजन का शिकार नहीं होता। इस्तराब और इस्तराब का मतलब ये है कि मुश्किल एक तंगी होती है ना सीने में, तंगी एक इंसान को आप देखोगे बहुत ज्यादा मूड स्विंग हो रहे हैं उसको, कभी बहुत ज्यादा जज्बाती हो गया, कभी इतना ही ज्यादा जो है वो उसका मूड अच्छा हो जाता है, तो ये इस्तराब बिल्कुल इसका दिल ठहरा हुआ होता है। अल्लाह ताला ने सूरह महारिज में फरमाया इल्लल मुसल्लीन अल्लज़ीन हुम अला सलातिहिम दाइमून, इससे पहले वाली आयत क्या है, कोई है हाफिज? इज़ा मस्सहु शर्रु, अल्लाह ताला फरमाया कि जब इंसान को कोई शर पहुंचता है तो वो बहुत जजा फजा करने वाला होता है, बहुत चीखो पुकार और बहुत जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इल्लल मुसल्लीन, सिवाय नमाजियों के, वो ऐसे नहीं होते। ठीक है, वो ऐसे नहीं होते, यानी वो उनका दिल सुकून में होता है, ठहरा हुआ होता है, बावकार एक स्टेट ऑफ हैप्पीनेस में होता है, बिल्कुल एक मुलायम दिल स्मूथली चल रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई हालात को बुरे हालात दरपेश होता है तो वो आपे से बाहर होते बिल्कुल जो है वो पागलों वाली हरकतें कर रहा है, नहीं,
बिल्कुल एक स्मूथली इत्मीनान कल्ब उसको नसीब होता है। यही अल्लाह ताला ने सूरह मारिज में भी फरमाया कि इंसान जो है बड़ा जजा मजा करने वाला है, बड़ी कंप्लेंस करने वाला है, बिल्कुल सबर बेसबर है, इल्लल मुसल्लीन, मगर नमाजियों के। तो अगर आप देखें कि मैं नमाजों पढ़ने के बावजूद भी जो है वो ऐसा ही हूं, तो फिर नमाजों को चेक करने की जरूरत है। दूसरी जो फजीलत है इस तौहीद की वो ये है कि बहुम मुहतदून, वो हिदायत याफ्ता होंगे, यानी इस दुनिया में भी उनको हिदायत नसीब होगी। और क्या मतलब दुनिया में हिदायत नसीब होगी, तो हिदायत पर तो हैं, वो तौहीद पर हैं, तौहीद ऐसी तौहीद है कि उनमें शिर्क नहीं है, तो जब हिदायत पर तो ऑलरेडी है तो फिर वहम मुहतदून कि उनको दोबारा हिदायत मिलेगी, ये सवाल यहां बन सकता है। ये ऐसा ही सवाल है जैसे कि हम और आप सूरह फातिहा में हिदायत मांगते हैं, इहदिनस सिराट अल मुस्तकीम, भाई आप मुसलमान तो हैं, तौहीद पर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फिर आप मांग रहे हैं अल्लाह ताला से मुझे हिदायत दे, वो हिदायत पर कायम रहेंगे, हिदायत पर कायम रहेंगे, एक नाम जवाब है इस्तिकामत की दुआ है, यानी हिदायत पर साबित कदमी, इसकी तो गारंटी आप नहीं दे रहे ना, यानी आप जो हिदायत तलब कर रहे हैं यानी हिदायत पर साबित कदमी एक जवाब है। दूसरा जवाब यह है कि हिदायत में मजीद इजाफा, आप क्या कामिल दर्जे पर पहुंच गए हिदायत के, नहीं आप मजीद जैसे कि और सूरह काफ में आता है ना कि वज़िदना हुम हुदा, हमने उनको हिदायत में मजीद बढ़ा दिया, वज़िदना हुम हुदा, तो हिदायत में मजीद बढ़ाया जाता है। तो जब हम हिदायत ऑलरेडी हिदायत याफ्ता हिदायत पर सवाल हिदायत का सवाल कर रहा है तो उसके दो मतलब होते हैं, एक तो हिदायत पर इस्तिकामत, दूसरा हिदायत में मजीद इजाफा। तो लिहाजा जो लोग तौहीद पर हों, अल्लाह पर ईमान लाते हैं और अपने ईमान में शिर्क की मिलावट नहीं करते, उनकी हिदायत में इस्तिकामत भी होती है और मजीद हिदायत में बढ़ते चले जाते हैं। जैसे अल्लाह ताला ने सूरह काफ में असहाब काफ के बारे में फरमाया कि हमने इनके ईमान, चूंकि ये शिर्क नहीं करते थे, तौहीद पर थे, तो हमने इनकी हिदायत को हिदायत में मजीद बढ़ा दिया, वरबतना अला कुलूबिहिम, और हमने इनके दिलों को बांध दिया, यानी वही अमन वाली कैफियत है। ठीक है, तो कुरान देखे किस तरह से एक आयत कुछ आयत दूसरी आयत की तफसीर करती है, असहाबे काफ में भी यही बात जिक्र है मुख्तलिफ अल्फाज में कि हमने उनके दिलों को रबत यानी बांध दिया मतलब मजबूत कर दिया, बिल्कुल अब पुख्ता हो गए, इत्मीनान में आ गए, ठीक है, रिलैक्सेशन की स्टेट में है, अब वो हिल नहीं रहे, यहां से वहां नहीं हो रहे, मुनाफिकों की तरह कभी यहां कभी वहां नहीं, ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि वो एक ट्रैंक्विलिटी में है, स्टेट ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस में है। ठीक है, ये वो असहाबे काफ का यहाँ पे वही बात अमन के लफ्ज से यहाँ पे बताई। ठीक है, और वह मुहतदून को असहाबे काफ के बारे में फरमाया कि वो उनको हिदायत में मजीद बढ़ा दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है किस तरह से कनेक्शन चल रहा है। हिदायत की दो किस्में, हिदायत की दो किस्में हैं, पहली जिसको कहते हैं हिदायत रुश्त, यानी वो हिदायत के जिसमें रास्ता दिखाया जाए, दूसरी हिदायत हिदायत तौफीक कराती है, पहली हिदायत हिदायत रुश्त है, रुश्त, दूसरी हिदायत हिदायत तौफीक है। हिदायत रुश्त ये है कि मिसाली तौर पर आप मुझसे पूछें कौन सा रास्ता सही है, मैं आपको कहूं ये रास्ता सही है, लेकिन अगर आप पूछे कौन सा रास्ता सही है मैं आपको उठा के उस सही रास्ते पर डाल दूं, ये होती है हिदायत तौफीक। हिदायत रुश्त नबी भी दे सकते हैं, अल्लाह ताला ने हिदायत रुश्त दी है, नबी भी दे सकते हैं, मोमिनीन भी दे सकते हैं, लेकिन हिदायत तौफीक सिर्फ अल्लाह दे सकता है। चला देना जमा देना, हाँ, तेज तो नहीं चल रहा, अगर चल रहा है तो कोई बताए मेरे को, तेज तो नहीं जा रहे, चीजें बहुत सारी कवर करने की होती हैं, तो लिहाजा आपको ना मैं ज्यादा बोर्ड पे पढ़ाऊंगा ईयर वन में, तो एक कनेक्शन के लिए और एक तफहीम के लिए बोर्ड पे जो है वो पढ़ाया जाता था, अब चूंकि कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा है और हमारे पास एक ही सेमेस्टर है और दो पीरियड्स हैं हफ्ते में, तो हमें थोड़ा सा ज्यादा कवर करना है, तो मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा, आपने करना है ऐसे होगा कि बुलेट पॉइंट फॉर्म में जो हम बातें करें वो लिखने और फिर घर पे जाके उसको मजीद एलेबोरेट करना है, जो जो मैं बोल रहा हूँ आप वो पूरा लिख लें, उसी वक्त ऐसा हो नहीं सकता, तरीका ये सही है भी नहीं, बुलेट फॉर्म में जो आपको समझ में आ रहा है
उन अल्फाज को आप लिख लें और फिर जब बाद में क्या बल्कि उसी दिन उसको रिवाइज करें। जब रिवाइज करें तो मजीद आपने आपको जो समझ में आ रहा है जो आज मैंने पढ़ा है उसको मजीद एलेबोरेट खुद से अपनी जबान में करें, क्योंकि इसकी वजह यह भी है कि जो लोग पता नहीं शायद आप प्रेफर किए तो आपका एमसीक्यू था तो मैं पेपर देता ही उसमें से हूँ 80-90% मेरा पेपर होता ही उसमें से है जो मैं पढ़ा रहा हूँ होता हूँ जो किताब में मौजूद नहीं होता। ठीक है, तो ये अक्सर स्टूडेंट्स को शिकायत रहती है कि आप वो क्यों देते हैं जो आप पढ़ा रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि यार अदल तो यही है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मैं आपसे पूछूं, अदल ये जुल्म तब होता जो मैं पढ़ा नहीं रहा वो मैं आपसे पूछ लू। अदल उनके साथ होगा जो लोग क्लास रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं, जो लोग क्लास रेगुलरली अटेंड नहीं कर रहे और वो सिर्फ बुक पढ़ के एग्जाम देना चाह रहे हैं तो उनके साथ तो फिर वो दोनों बराबर तो नहीं है ना। जो क्लास रोज अटेंड कर रहा है और जो क्लास अटेंड ही नहीं कर रहा और एक महीने में एक अटेंड कर रहा है और अटेंडेंस भी पता नहीं कहीं ना कहीं से मार्क हो जाती है उसकी, दोनों बराबर तो नहीं हो सकते। इसका भी लोगों ने तरीका निकाल लिया है कि नोट्स जो है वो एक दूसरे को दे दिया करता है, इंशाल्लाह वो तो फिर हम इससे आगे तो पहुंच नहीं सकते। जी नहीं, एग्जाम अरबिक नहीं होगा। हाँ, लेकिन जो अरबी नुकात मैं बता रहा हूँ उसको जहन नशीन रखें, उसको जहन नशीन रखें, वो आएगा। मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछ लू यहाँ जुल्म जो है वो नकिरा है नफी के सियाक में, तो यहाँ पे जो है वो जुल्म से मुराद शिर्क क्यों ले रहे हैं, हाँ तो जुल्म आम होना चाहिए था, ये सवाल आ सकता है। इसी तरह हमने पिछली क्लास में जैसे कि हमने पढ़ा था, कौन सी आयत पढ़ी थी, इबादत के मुताबिक जितनी भी थी वजतने मुताबिक हमने पढ़ा था, तो इज्तिनाब के सवाल, इस लफ्ज़ से इज्तिनाब जिक्र करने के खास फायदा क्या है जी, किसको याद है? हाँ, इज्तिनाब में यानी दूर रहने में मुबालगा है जी, ये यानी इज्तिनाब लफ्ज़ इज्तिनाब में क्या खास फायदा है, ये ऐसा सवाल आ सकता है, इस तरह के सवाल आ जाते हैं। बहरहाल अभी एग्जाम बहुत टाइम आप लोगों को, तो आगे चलते हैं। बात ये कर रहा था कि हिदायत दो तरह की होती है, हिदायत रुश्द और हिदायत तौफीक। हिदायत रुश्द ये है कि सही और गलत रास्ते की निशानदेही कर देना, हिदायत तौफीक ये है कि उसको सही रास्ते पर उठा के डाल देना। तो उठा के डाल देना ये कौन तौफीक कौन दे सकता है, अल्लाह ताला, ये नबी भी नहीं दे सकते। इसीलिए एक जगह कुरान में है कि ऐ नबी आप जिसको चाहे हिदायत दे सकते हैं, इन्नका तहदी मन तशाउ इला सिरात मुस्तकीम, ऐ नबी आप जिसको चाहे सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत दे सकते हैं। एक और जगह कुरान में फरमाया इन्नका ला तहदी मन अहबबत, ऐ नबी आप हिदायत नहीं दे सकते जिससे आप जिसको आप पसंद करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत हरीस से कि अबू तालिब को हिदायत मिल जाए, बहुत हरीस से, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत डिफेंड किया करते थे। लेकिन अल्लाह की हिकमत, अल्लाह की वाकई अल्लाह की हिकमत है, मतलब अल्लाह इतना गनी जात है कि नबी के क्लोज रिलेटिव की भी अल्लाह ताला को अपनी हिकमत से वो परवाना करे, और इतना गनी जात है फआलुल लिमा युरीद, जो चाहता है कर गुजरता है। नबी के बेटे को भी वो इस्लाम की दौलत से, नूह अलैहि सलाम का बेटा इस्लाम की दौलत से ना नवाजे, नबी के बेटे को उसके बचपन में उसको फौत करते हैं इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे होनी थी ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ, इससे हुई भी आंसू भी जारी हुए। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला इतनी गनी जात है, जो चाहता है जो उसकी मर्जी होती है वो कर गुजरता है, लेकिन जो कुछ करता है वो हिकमत के तहत अबस और फालतू और फजूल नहीं होता। अल्लाह ताला जो कुछ अपने नबी से भी कुछ भी कर ले, नबी के साथ भी कुछ भी कर ले, उसके बेटे को छीन ले, उसके बेटे को तौफीक ना दे, उसके बीवी को हिदायत की तौफीक ना दे, लूत अलैहि सलाम, तो ये हम मिसालें देखते हैं, सुभान अल्लाह हैरान होते हैं। ये अल्लाह ताला की सिफत गनी, अल्लाह ताला का नाम है गनी, बेपरवाह जात है वो, किसी की परवाह नहीं है। हाँ, लेकिन अपने नेक बंदों से वो मोहब्बत करता है, इसका मतलब ये भी कि मोहब्बत करता है तो वो अंडर प्रेशर आ जाता है। तो लोग जो वसीले ठहराते हैं अल्लाह ताला के, वो ये समझते हैं कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کا ہم وسیلہ پیش کریں گے تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ انڈر پریشر آ جائے گا اور نبی کی محبت کی خاطر ہمیں ہماری دعا قبول کر لے گا. آپ دیکھیں تو صحیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی غنی ذات ہے اللہ تعالیٰ کہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. بہرحال بات کہاں سے نکلتی ہے پوائنٹ پہ. ہدایت توفیق جی, ہدایت توفیق اور ہدایت درست. تو ہدایت درست یہ ہے کہ نشاندہی کر دینا صحیح ہمارے لحاظ سے کی. اور ہاں بات یہ ہو رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ لوگ بھی اٹینٹیو نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک جگہ قرآن میں آیا کہ آپ جس کو چاہے ہدایت دے سکتے ہیں, اور ایک جگہ نفی آئی ہے کہ آپ اس کو جس کو پسند کریں, جس سے محبت کریں, آپ نہیں ہدایت دے سکتے. ہدایت صرف اللہ کے ذمہ ہے. تو جہاں پہ نفی کی ہے وہاں پہ ہدایت توفیق مراد ہے, جہاں پہ ثابت کیا ہے وہاں پہ ہدایت رشد مراد ہے. صحیح ہے, یہ دونوں آیتیں کون سی صورت میں ہیں ہدایت والی؟ اللہ عالم, میں حافظ نہیں ہوں. ویسے اگر حافظ بھی ہوتے ہیں آج کل تو ان کو کون سی آیت نمبر پتا ہوتا ہے. تو اگر جس کو پتا ہے وہ لکھ لے, وہ یہاں پہ چیٹ باکس میں لکھ دے. جی ام فرقان آپ کا سوال ہے, آپ سوال کیجیے. آپ کا ہاتھ ریز ہوا ہے, جس کا ہاتھ ریز ہوا ہے میں یہ سمجھوں گا کہ سوال ہے اسے. اگلی حدیث پڑھتے ہیں جی. جی کوئی فیمل سٹوڈنٹ پڑھے. یہ پڑھ لیتے ہیں سر. نہیں, ایک سب کو پڑھانا ہے, آگے کھڑے کرنی ہے, بہت ضروری ہے. جی پڑھے. مجرور مجرور تو ہے لیکن یہ مجرور جو ہے وہ کسرہ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ فتح کے ساتھ ہے. عن عبادة بن سامن رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وان محمد عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ ورسولہ وکلمته القاها الى مریم وروح منہ والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة جنة على ما كان من العمل. الجنة مفعول به پڑھا ہے کچھ؟ مفعول به پڑھے گا تو جی آگے کیا ہے؟ اخرجاہ اخرجاہ, اس میں تثنیہ کی ضمیر دکھ رہی ہے. اخرجاہ جیم کے بعد الف آ رہا ہے, یہ تثنیہ کی علامت ہے. اخرجاہ شیخ کہاں اخرجاہ؟ نہیں اب پورا نہیں. علی ما کان من العمل, اس کے بعد کیا ہے؟ ولہا فی حدیث, ولہا فی حدیث, یعنی یہ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ والی. اچھا مائک کلوز رکھیں, پڑھنے میں کافی ڈسٹربنس آتی ہے اس میں آن لائن اسٹوڈنٹس کو. وَلَهُ فِي حَدِيثٍ, یہاں تک ہم یہ حدیث پڑھ لیں, دیکھ لیتے ہیں. عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد ان لا الہ الا اللہ, جو شہادت دے, جو گواہی دے. کس چیز کی گواہی؟ ان چار چیزوں کی گواہی جو آگے آ رہی ہے. پہلی گواہی, جو گواہی دے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, جو یہ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, وحدہ اکیلا ہے, لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک نہیں. یہ پہلی گواہی ہے. دوسری گواہی, وان محمد عبدہ ورسولہ, اور اس بات کی بھی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. تیسری گواہی, وان عیسی عبد اللہ ورسولہ, اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور
अल्लाह का कलमा है अल्काह इला मरियम, वो कलमा जो अल्लाह ताला ने मरियम की तरफ इल्का किया डाला, वरूह मिन, और अल्लाह ताला की तरफ से ये रूह है, यानी ये ईसा अलैहि सलाम के बारे में ये मंदरजा ज़ैल गवाहियां दें ईसा अलैहि सलाम के बारे में कि उसका अल्लाह का बंदा होना, अल्लाह का रसूल होना, कलिमा कुन से पैदा होना, जो कि अल्लाह ताला ने कुन कहकर ईसा अलैहि सलाम को पैदा किया था, और ये कलिमा कुन जो है मरियम की तरफ इल्का किया था, वरूह मिन, और अल्लाह ताला की तरफ से रूह है, ये हम आएंगे इसका क्या माना है, अभी इसे तर्जुमा कर रहा हूँ। वल जन्नत हक्कुन वन नार हक्कुन, और तीसरी गवाही ये दे कि जन्नत बरहक है, मैं 100% श्योर हूं उस बारे में जन्नत बरहक है, 0.01% भी अगर शक आ गया तो ये शक वाला ईमान हो गया आपका, और ये ईमान काबिले कबूल नहीं, जरा बराबर भी शक नहीं होना चाहिए कि जन्नत बरहक है और जहन्नुम बरहक है। ये चार गवाहियां जब देगा इंसान, चार गवाहियां हुई ना, ला इलाहा इल्लल्लाह की शहादत, मोहम्मद रसूलुल्लाह उसके बंदा और उसके रसूल होने की शहादत, ईसा अलैहिस्सलाम के बंदा उसके रसूल होने की शहादत, और अल्लाह के कलमे और रूह होने की शहादत, चौथी गवाही जो है वो जन्नत और आग बरहक है। ये चार गवाहियां जो शख्स देगा अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल कर देगा चाहे उसको जो भी अमल हो। क्या मतलब है इसका, बड़ी अहम हदीस है, बात शुरू करते हैं इसमें, जहां बात खत्म हुई फिर से अगली क्लास में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। मन शहीदा, जो शख्स गवाही दे, जो शख्स गवाही दे, शहीदा गवाही दे, ये नहीं कहा मन पाला, जो कहे, जो जबान से कह दे सिर्फ नहीं, बल्कि क्या था, जो गवाही दे। गवाही कब दी जाती है, गवाही इल्म की बुनियाद पर दी जाती है, यानी मैं अगर जज के सामने गवाही दे रहा हूं कि फला शख्स ने चोरी की है, तो मैं टेस्टिफाई तभी कर सकता हूं जब मैंने उसको देखा होगा, पुख्ता इल्म होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि गवाही के लिए इल्म शर्त है, तो ये चार चीजों की गवाही के लिए पुख्ता इल्म शर्त है, यू हैव टू बी सर्टेन अबाउट इट। इल्म क्या होता है कि इसमें कोई शक कोई डाउट ना हो, इल्म वो होता है जो कि सर्टन हो, ठीक है, उसमें कोई किसी किस्म की कोई शक और शुबहा ना हो, इल्म यही होता है ना। वहम, वहम जो होता है वो होता है जिसमें शक हो, लेकिन इल्म वो होता है कि जिसमें आप 100% श्योर हो। जब आप तौहीद पर 100% श्योर होते हो तभी आप गवाही दे सकते हो, किसी भी चीज में आप गवाही कब दे सकते हो, जब आप 100% श्योर हो, यानी इल्म जरूरी है। दूसरी बात यह है कि इल्म के लिए इल्म और अमल लाजिम मलजूम है, ऐसा नहीं हो सकता कि इल्म हो और अमल ना हो, और ऐसा नहीं हो सकता कि अमल हो और इल्म ना हो। जब आपको अल्लाह की तौहीद और अल्लाह के रब होने का इल्म होगा तभी तो आप अमल करोगे, ऐसे कैसे हो सकता है कि आपको अब पता ही नहीं अल्लाह कौन है और आप अमल करना शुरू कर दो, तो अमल बगैर इल्म के नहीं आता, और जब इल्म होता है वाकई इल्म होता है तो फिर अमल आता है। इसको मैं पूरा कर लूं शहीदा के माने को, थोड़ा आपको इसको देता हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इल्म शहादत देने से पहले इल्म होना लाजमी है और इल्म के लिए अमल का होना जरूरी है, ठीक है। तो अब ये सिर्फ महज इकरार से बात नहीं चलेगी, बल्कि इल्म होगा और उसकी बुनियाद पर अमल होगा, यानी आपको पता है कि यानी आप बिल्कुल 100% श्योर हो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, वो अकेला है, उसके साथ कोई शरीक नहीं है, और फिर वो अपने अमल से साबित भी करोगे कि खालिस उसी के आगे झुकोगे, उसी से मदद तलब करोगे, ये अमल है। जी आप सवाल कर रहे थे, माइक पे करें, नहीं जा रहा माइक पीछे, अब अगली क्लास से जो है एक साथ आगे आगे बैठे हैं। जी मैं आपका सवाल दोहरा देता हूँ, सवाल जो है यहाँ भी ये किया गया है कि फिर ब्लाइंड फेथ का क्या माना है, अंधा दुख ईमान का क्या मतलब है। इसका सवाल तो नमाज पढ़ते हैं, पढ़ते हो
यही हमने बताया था ना कि क्लास में जब शुरू में मैंने बताया था कि इल्म वो चीज है जो इबादत और आदत में फर्क करती है, यानी आदत को इबादत बनाने वाली जो चीज है वो इल्म है। ठीक है, तो इल्म होना जरूरी है। फालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, बेशक इल्म रख लो, जान लो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद पर हक नहीं है। इल्म पहले है, ठीक है, इल्म जो है वो कौल से पहले है, ये इमाम बुखारी ने बाब भी बांधा है। तो इल्म जरूरी है कौल से पहले, ठीक है, और कौल, इल्म और अमल, ये तीनों जरूरी है शहादत के लिए। तो शहादत में ये माना है कि इसमें अमल भी आ जाते हैं और इसमें इल्म भी आ जाता है। ठीक है, बाकी ये शहादत पर बहस हो चुकी, चल अगली क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सुभानकल्लाहु व बिहमदिक, और नए लोगों की सवाल है तो कर लें। ठीक है, यहीं पर छुपा रहते हैं। सुभानकल्लाहु व बिहमदिक। Thank you.